आपने लड़की देखी? मेरी माँ कहती हो उसे मैं भूल ही गई। मुनीम साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वॉलंटियर्स मिले, उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ करना है, तो उन लोगों के लिए वो पेशेंट जो कि ज़कात मुस्तहिक हैं उनके लिए हम ज़कात कलेक्ट करते हैं और टोटल जितने पैसे होते हैं उनके ट्रीटमेंट में लगते हैं। आज हम बनाएंगे लज़ानिया रोल। वेलकम वेलकम। मतलब अगर मुझे सेल्फी लेनी होगी तो मैं यूं करूंगी, भाई से जरा देखेगा। यहाँ से जाते हैं इंग्लैंड तक, जब मेरा नाम आया था पाकिस्तान टीम में, तीन दिन तक मैं सोया नहीं था। एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते, अब ये खुद इतने बीमार हैं, बैठ बैठ के थेला चलाती हूँ। एक तरफ से जो हो सका इंशाल्लाह करूँगा। तो जोर से तालियां बजाएं, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का कि इन बच्ची का इन्होंने किया। बनास्पति की बाइक है। एक के मोटर बाइक आप नहीं चला सकती। हुजूर फरमाते हैं कि जवानों निकाह करो, मेरी उम्मत को बढ़ाओ, कल कयामत के दिन जन्तियों की 120 सफ़े होंगी, उसमें 40 सफ़े बाकी अंबिया किराम की और 80 सफ़े इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की होंगी। खुशी से मैंने लिया है वो गम, हुसैन का है मेरे ज़मीर की छत पर अलम हुसैन। हुसैन का है ये बात कितनी है हसी हो, ये बात कितनी है हसी, ये बात कितनी है हसी जो कहते हैं वो ही रोगी। सबका बादशाह हुसैन है, सबका बादशाह हुसैन है, बोलो सबका बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हम शरी किसी की क्या मजाल है, करे जो कोई हम शरी किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, खुशी से सर जो कटाए कोई तो मैं जानू, खुशी से सर जो कटाए कोई तो मैं जानू, वादा ऐसा भी निभाए कोई तो मैं जानू, वादा ऐसा भी निभाए कोई तो मैं जानू, बशर नबी भी बने और खुदाई के दावे, बशर नबी भी बने और खुदाई
पेश कर रहा हूँ, क्षमा फरमाइए। यही मेरा सुकून है, ये मेरी जिस्म जान है, यही मेरा सुकून है, ये मेरी जिस्म जान है, ये मुझसे है मैं इनसे हूँ, ये मेरी इज्जत शान है, रसूल हक ये कहते हैं, रसूल हक ये कहते हैं, रसूल हक ये कहते हैं, सुने ये हर कोई सुने। खलील का ये ख्वाब है, सभी ही का जवाब है, खलील का ये ख्वाब है, सभी का जवाब है, ये मुझ गदा मुस्तफा, सुबह है जिसमें किबरिया, वही अबा कबा हुसैन है, अबा कबा हुसैन है, ऐसे हुसैन मुस्तफा, सुबह है जिसमें किबरिया, शहादत हुसैन की किस्मत, शिब्र कैसे शहीद हो जाता, शिब्र कैसे शहीद हो जाता, लाज रख ली हुसैन ने वरना, लाज रख ली हुसैन ने वरना, बच्चा बच्चा यजीद हो जाता, ऐसा है जिसकी फिक्र कर बना हुसैन वो दिमाग है, जिसकी फिक्र कर बना हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने तो यहाँ बादामों को आग लगाई हुई है, दिए जलाए में खैरियत है, आज हम क्या कर रहे हैं? आज मैं बहुत पुराने ज़माने के जो काजल होते थे जो लगाए जाते थे, अस्सलाम वालेकुम, वो बनाना बता रही हूँ कि आप घर में अपनी आँखों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, या वो चीज़ें जो हम भूल गए हैं, वो सारी चीज़ें जो बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। आपको लगता है कि आपको केमिकल आँख ऐसी चीज है कि कोई ऐसी चीज आप ना लगाएं? मुझे प्लास्टिक से एलर्जी है, प्लास्टिक एलर्जी भी बहुत सारों को जाती है। बिल्कुल, तो बहुत ही आसान सा काजल है जो बहुत पहले के ज़माने में बनता था जी, काजल जो बनता था जी, वो हमारे बड़े बूढ़े इस तरह बनाते थे कि दिए जो है वो दियों में हम ऐसे वो करते थे कि या तो कैस्टर ऑयल या फिर देसी घी, घी सही है, देसी घी या कैस्टर ऑयल डालकर कॉटन, प्योर कॉटन, बहुत अच्छी वाली कॉटन लेके आपने जलाना है। ठीक है, जैसे ये दिए ना, ये एक खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसमें, एक ये एक वक्त में तो नहीं बनेगा, ये मतलब कि इसको पूरी रात भर आपने रखना होता है। जब रात भर आप रखते हो तो फिर क्या होता है, जो इसकी कालक यहाँ लग जाती है, लग जाती है, ये असल में आपका काजल है। बाबा इधर तो लगा, इधर जरा ये चले, और ये इतना हाँ नजर का टीका काजल। अब इसको निकाल कर ना आप इसको जमा करके किसी भी अच्छे बॉटल में रखें और अपने आंखों पे लगाएं, और मैं इसको देखें, इस ये कितना डार्क है, ये बहुत डार्क, नहीं बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, मैं लगा के बताती हूँ। अरे वाह डॉक्टर साहिबा,
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ना जलन ना कमाल ना कुछ। और आंखें कितनी हसीन, मजीद हसीन हो गई आपकी आंखें काजल लग के। लग गया हाँ। और ये इतना अच्छा होता है, मतलब आप लोग बाहर से लेते हो चीजें, आपको नहीं पता होता कि कौन क्या क्या केमिकल है, देसी घी है या कैस्टर ऑयल है, दोनों में से एक आपने लेना है। अच्छा एक तो ये हो गया ये वाला काजल, अच्छा दूसरा ये है कि आपने इसी तरह क्या करना है, थोड़ा सा देसी घी लेके बादाम जला दे, जला कर पीस कर पाउडर बना ले, लेकिन आपको वो पाउडर ऐसे बनाना है जो बिल्कुल बारीक हो, आपकी आंखों में ना लगे। जिस तरह ये खुद ही जब यहाँ लगता चला जाता है ना जी, तो ये वो होता चला पाउडर की सूरत ले लेता है, बिल्कुल सूरत ले लेता है। ये आपका घर का आसानी का सुरमा या काजल है सही। जो आप अपने आंखों में लगा सकते, बिल्कुल बस आज की खूबसूरती यही खत्म हो रही है। अच्छा, बहुत ही आसान है, लेकिन रिकैप भी करेंगे जनाब, लेकिन आप लोगों के पास अगर कोई सवाल आते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। ये बहन को एक माइक दीजिए जी। वालेकुम अस्सलाम, आवाज बढ़ाइए जी। जी बहन बोलिए। मेरा बेटा है 6 साल का, ऊपर बैठा हुआ है, उसकी स्किन में ना व्हाइट पैचेस से आते हैं, व्हाइट पैचेस जी, और मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया है तो उन्होंने कहा था बाय द पासिंग ऑफ टाइम चला जाएगा, लेकिन 2 साल हो गए, मेडिसिन मैं कंटिन्यू रखती हूँ, लेकिन वो उभरे उभरे भी होते हैं साइड से ना। नहीं देखिए, दो चीज़ होती है, तो विटलाइगो होगा बर्स या कैल्शियम डेफिशिएंट होता है या फंगस होता है ना, 3-4 बीमारियाँ जो हो सकती है, फंगस से तो उसका इलाज अलग है, बर्स से तो उसका इलाज अलग है। बेटा खड़े हो कहाँ है आपके, आपका बेटा छोटू नीचे भाग कर आ जाओ ताकि हम आपको बाद में भी देख सकेंगे डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तब तक मैं कॉल लेती हूँ जब तक बच्चा आ रहा नीचे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? सादिया, मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया आपको रमजान का आखिरी जुमातुल विदा मुबारक हो। आपको भी और मेरे तमाम देखने वालों को, यहाँ तमाम बैठे हुए लोगों को भी जुमातुल विदा। डॉक्टर मजीद को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सादिया जी, मुझे ये पूछना है, जैसे एलर्जी होती है जी जी, तो आंखों में से पानी आता है जी जी, तो उसके लिए कोई काजल बताएं या कोई सुरमा बताएं ताकि आंखें भी सही रहें और वो जो आंखें आप अभी इस वक्त का ये शो देख रही हैं जी जी, अभी अभी काजल ही तो बनाना बता रही थी आपको, ये सुरमा ही तो उन्होंने बताया कि आप किस तरह घर के अंदर ये काजल या सुरमा जो आप कहना चाहें वो करें। मैं डॉक्टर बिल्की से दोबारा कहूंगी कि रिकैप कर दें अपनी पूरी रेसिपी, दोबारा बता दें, बहुत आसान है जी। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि आपने बहुत अच्छी वाली कॉटन लेनी है, जिस तरह ये रुई आपकी बहुत आला नस्ल की होनी चाहिए, अच्छी वाली आपने कॉटन ली, इसको आपने डिप किया या तो कैस्टर ऑयल में, कैस्टर ऑयल अगर आपको पता है कि असली, या तो देसी घी में, देसी घी या कैस्टर ऑयल में आपने डिप करके पूरी रात इस दिए को जलाना है और इसे ढक के रखना है, बिल्कुल ऐसे, ताकि जो दूसरा वाला दिया है उसके अंदर वो जो कालिक जमा, जिसे हम कालिक कहते हैं, असल में वही काजल है जो डॉक्टर साहब ने भी अपनी आंखों में भी लगाया है। बाज़ुकात ऐसा होता है कि बहुत खारिश हो रही थी आंखों में, तो आपने क्या करना है, काफूर, वो भी असली काफूर, वो भी कितना, सिर्फ चावल के 3 दाने के बराबर, ओके, आप इस दिए के साथ आप इसके अंदर रख देंगे। अच्छा, ताकि वो भी जलकर ऊपर आ जाए, तो उसमें कैंपर एंटी एलर्जी का काम करेगा। जी जी बिल्कुल, अरे वाह, वो मिक्स हो जाएगा, तो वो काफूर भी इसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये वो वाला काजल बन जाएगा जो जिनको आप आंखों में लगाओगे तो बड़ी ठंडक आएगी और आंसू आएंगे और आपकी आंखें साफ हो जाएंगी, जो पुराने जमाने में। कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बिल्कुल, बीमारियां हैं, जब मेरे सरकार का नाम आए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दोनों अंगूठों को चूम कर आँखों से लगा ले, इंशाल्लाह कभी आँखों की बीमारी नहीं होगी। बेशक बेशक, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बेशक जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन, मेरे भाई। अच्छा देख लिया। अच्छा देखिए बेटा, ये फंगस है, ये ऐसे नहीं जाती, ये और किसके पास सवाल है, हाथ खड़ा आती जाती आती जाती रहती है, इसका पूरा इंटरनल आप इलाज कराओ, सनब्लॉक लाजमी लगा के रखो, ठीक है? मैं यूज कर रही हूँ सनब्लॉक भी, यूज बात हो गई, उनसे बात कराइए अब प्लीज, ठीक है? चला बेटा जी जी। अस्सलाम वालेकुम।
ऊंचा बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूछना था डॉक्टर बिल्किस से कि मैं जो भी स्लीपर या सैंडल वेयर करती हूँ ना, उसके निशानात रह जाते हैं, वो जाते ही नहीं, निशान पैरों पे पड़ जाते हैं। जो भी सैंडल को पहनू या जो भी स्लीपर हो, जो भी हो, निशान कौन से वाले रह जाते हैं? सैंडल के निशान रह जाते हैं या आपके उसके निशान रहते हैं? सैंडल के दाग रह जाते हैं। जी जी, सैंडल का दाग कभी नहीं रहता। या तो ऐसा होगा कि आपके पाँव पे अलग अलग मुख्तलिफ खुजली या खारिश हुई तो उसके निशान पड़ गए। नहीं नहीं, सिर्फ सैंडल जैसे पहनती हूँ ना, जो तकलीफ करती है थोड़ी सी भी, तो उसके निशानात पड़ जाते हैं। कंफर्टेबल बेटा, मेरा ख्याल है सैंडल कंफर्टेबल चप्पलें पहने, थोड़ा सा खर्चा करें, सस्ते जूते। मैं इसमें खुदा ना खासा किसी का तजलील कर देंगे, लेकिन ये हमारे अपने लिए होता है, ठीक है? थोड़ी सी बेहतर चीज़ों को का इस्तेमाल करें, आपके लिए अपनी बेहतरी होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? हिना, इतना आहिस्ता क्यों छुप के फोन कर रही हो? पोल पे लटकी हुई हो, कहाँ से छुप के बात कर रही हो? हेलो, हाँ सादिया, हेलो। जी, मैंने खुश्की का ट्रीटमेंट पूछना था। तकरीबन मैं रोज चले, खुश्की का ट्रीटमेंट पूछना था या मोबाइल चाहिए? दोनों में से एक फैसला कर लो। डॉक्टर साहब आप नहीं बताइएगा? अच्छा, चलिए जी, खुशी का नुस्खा बता दें आप। ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैं तकरीबन 3 दिन से ही बता रही हूँ। आपने अंडे की जर्दी लेना है, सिरका लेना है, उसको मिक्स करके सर की जड़ों में लगा लें। अगर खुशकी बहुत ज़्यादा है तो सना के पत्ते जो हैं 2 चम्मच 1 कप आप सिरके में उबाल कर ठंडा कर कर उसमें फिर अंडे की जर्दी मिला कर लगा सकते हैं। जी, मेरी बहन पूछिए। 18 साल की, उनके ना बर्स के निशान हैं, तकरीबन 9 साल की थी जब से हैं, मगर वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, अब चेहरे पे उनके आते जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई इलाज? देखिए, मैं आपको बताऊं, बर्स ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में आप इलाज कराते हैं तो दोबारा आ जाते हैं, और इसके लिए बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है। एक चीज़ है बता रही हूँ, अल्लाह अपना करम करे, मूली के बीज होते हैं 1 ग्राम रोज़ाना खाने भी हैं, और वही मूली के बीज आपने क्या करना है, दूध में मिलाकर उस जो बर्स की जगह जहाँ पर है वहाँ आपने लगाना है। बाज़ औक़ात इससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो घबराइएगा नहीं, इसके बहुत सारे नुस्खे होते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है अगर कोई अच्छा दम करने वाला मिलता है तो उससे ये बीमारी रुक जाती है। मगर डॉक्टर साहब, ये है कि उनके बर्स के निशान जो है ना, जगह जगह हैं, काफ़ी जगह जगह पे फैल चुके हैं। बर्स के निशान जगह जगह पूरी स्किन पे होते हैं ना, स्किन पूरी स्किन पे। अब चेहरे पे हैं जैसे, अब 1-2 जगह तो निशान लगा सकते हैं, मगर पूरे जिस्म में तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? वजह क्या है, क्यों नहीं लगा सकता? मतलब पूरे जिस्म पे लगाना, तो पूरे जिस्म पे क्यों नहीं लगाना? अगर आपको इलाज करना है तो पूरे जिस्म पे ही करना होगा ना। मेरे से एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अस्मा कहिए, क्या कैसी हैं आप और क्या कह रहे हैं? इस्मत, सॉरी मुझे अस्मा कहा गया था, इस्मत जी, इस्मत। अच्छा, वो ये तो मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। तो जी जी, डॉक्टर बिल्किस से। जी जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर, मैंने एक तो ये मालूम करना था, मेरे आंखों के नीचे आयरन का बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरे ये कि मेरे स्किन में रेडनेस इतनी है ना कि नाक के पास या चीक पे इतने रेड रहता है कि हंसी। अच्छा, बहुत ठीक है। मैं इस्मत, आपका नाम है इस्मत, आपको रोजेशिया है। रोजेशिया में ना एकदम ये सारी चीक बोन्स, ये सब जो चीक्स जो है, सॉरी बोन्स नहीं, चीक्स जो है वो रेड रहती है। इसका आपने ऐसा करना है, कोई सूदिंग नरिशिंग, जैसे आप कच्चा दूध भी लगा लें, लेकिन धूप को अवॉइड करें तो उससे रेडनेस कुछ कम हो सकती है। इसका इंटरनल भी इलाज करें ताकि आपको वक्त ही नहीं, हमेशा के लिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? आमना जी, बोलिए। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था क्या नाम है, सर की डेंटिस्ट के लिए। जी जी, तो प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। बिल्कुल रिपीट कर देंगे। डैंड्रफ के लिए मुसलसल, मेरा ख्याल आज हम 25वें रोज़े में हैं, और हम मुसलसल 25 रोज़े तक डैंड्रफ हमारे साथ एक मुस्तकिल टॉपिक है जो साथ साथ चल रहा है। अच्छा, जी डॉक्टर साहब, एक दफा फिर चीज़, थोड़ी सी मेरी मार्केटिंग हो जाएगी लेकिन सॉरी बता देती हूँ, बहुत अच्छा ऑयल होता है और मैं सिरके में चीज़ें बना के देती हूँ, आप वही मंगा के लगा लें। डॉक्टर बिल्किस, कैसे आप तेल मंगवा के लगवा लें? सबसे आसान, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से खुद मेहनत नहीं होगी और वो चीज़ें नहीं जमा होंगी, तो
तो वो फिर आपको डॉक्टर बिल्किस के क्लिनिक से चीज़ें मिल जाएंगी जी। और कोई कॉलर है हमारे साथ किसके पास? जी मेरी जी 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 मेरी बहन, जल्दी से पूछिए। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आपसे ही पूछा था, मेरे चेहरे पे बहुत निशानात हैं, ये अब माइक करी करी आवाज़ आएगी, ये निशानात मैंने इस पे बहुत चीज़ें भी लगाई हैं लेकिन झाइयाँ जाती नहीं हैं। अच्छा अच्छा, दो दिन पहले मैंने झाइयों का यहाँ सारी चीज़ें रख के बताई थी, मैं आपको फिर बता देती हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराई है ना तो स्किन को थोड़ा रेस्ट दें, सिर्फ आपने क्या करना है गेंदे के जो फूल होते हैं ना उसको आप दूध में भिगो कर रखें, कच्चे दूध में वो लगाएं ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी नरिश हो। उसके बाद अगर आप देख सकें, मैंने यहाँ पूरी चीज़ें रख के बताई थी, चिरौंजी भी था उसमें, करंजुआ भी था, वर्स भी था, इनको पीस के पाउडर बना के लगाना होता है, तरबूज के बीज भी थे, हम वजन थी, सारी चीज़ें दूध में मिला के लगाना था, या वो कर लीजिएगा ठीक है। जब एक तक सही नहीं देखे ये आसानी से जाने वाली नहीं है, ये चीज़ 6 महीने से 2-3 साल लगते हैं इसको ट्रीट करने में ठीक है, क्योंकि ये डर्मिस पे चली जाती है, एपिडर्मिस का काम नहीं है, ये बहुत डीप होती है, इसका पूरा ट्रीटमेंट कराना। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ कराची से। जी हुमैरा कहिए। मुझे ना आपसे बात करनी है, मुझे गिफ्ट चाहिए हायर का स्मार्टफोन। क्या? मुझे हायर का स्मार्टफोन चाहिए आपसे। हायर का स्मार्टफोन चाहिए? वो तो सारे मेरे घर जा चुके हैं, अब क्या करूँ? अल्लाह भाई नहीं। अल्लाह भाई, अजय सुनो एक शर्त पे दूंगी, पहले एक अच्छा सा नाद का कोई शेर सुनाओ, कोई सी भी बता, नाद शेर बता। हाँ देखा, स्मार्टफोन का फायदा क्या होगा जब नाद का शेर ही नहीं पता। हम गरीबों के लल भी सवर जाएंगे, ये तो कवाली का इशारे वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, इस बात पे भी मैं आपको दूंगी कि आपको एटलीस्ट एक कलाम याद था, है ना बिलाल भाई? तो स्मार्टफोन अगर याद कर लिया तो ये भी चलेगा। मर्द मैं होती और मुझे फोन पे एक टास्क दिया तो मैं तो कहती भर दे झोली या मोहम्मद, है ना, मैं तो बस उस तरह दोनों ही झोलियाँ भर जाती हैं, एक मोहम्मद भी भर देता फिर स्मार्टफोन भी मिल जाता। तो जनाब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, अब इसमें मेरा ख्याल नहीं, मुझे नहीं लगता रिकैप करने की ज़रूरत है, मैं आप लोग को रिकैप करके बताती हूँ। आपके पास बहुत बेहतरीन किस्म का देसी घी होना चाहिए या फिर कस्टर ऑयल, जिसका आपको पता हो कि वो बेहतरीन किस्म का कस्टर ऑयल हो, आपके बेहतरीन किस्म की कॉटन होनी चाहिए, उसको आपने रात भर ये दिए की सूरत में ढक के जलाना है ताकि इसके नीचे जो ये कालिक जमा हो रही है ये आपका सुरमा बनेगी। और अगर आपको खुदा खासा किसी किस्म की कोई एलर्जी है तो आप इसके अंदर काफूर की गोली के चंद पीसेस डाल सकते हैं, वो भी रात भर इसी तरह जलाइए ताकि उसका भी काजल इसी तरह जमा हो, वो इस्तेमाल करें और जिससे आंसू गिरेंगे उसको आंसू मत समझिएगा, वो आपकी सारी बीमारी होगी जो साफ हो रही होगी। कितनी अच्छी स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा आप ये बादाम जो है इसको भी इसी तरह जला सकते हैं डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब अच्छी स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छी है, मुझे असिस्टेंट अच्छी बनूंगी, बहुत अच्छी, माशाल्लाह एक चीज भी मिस नहीं की ना, मेरी नौकरी पक्की, अब सब में हो ना हो मेरी नौकरी डॉक्टर बिल्किस के पास पक्की हो गई है। चले जी नाज़रीन, अब तेजी से मांगते हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आगे आई है ये। ओ हाँ, ये तो बताएं डॉक्टर साहबा, आप अभी रुके वहीं, कोई फेयरनेस टिप तो आपने दी नहीं है, खूबसूरती से रिलेट कुछ चीज़ें तो बताएं। फेयरनेस किट ही बनाई है हमने, अगर ये आज मैं दे दूँ किसी को, हाँ, हाँ, दो आज तीनों दे दूँ। जल्दी से बेटा मेरे बैग में रखो जाके, जल्दी से गाड़ी में रखो। अच्छा ओहो, ये तो मुकाबला पड़ गया, तालियाँ किस तरफ ज़्यादा बजेंगी, इसी में तो हार जाते हैं। एक तरफ की ताली सुननी थी, एक तरफ ताली। आप दम है ना, दम छोटू येलो शलवार इधर आना जरा, ओए मैं सदके जाऊं, किसके लिए चाहिए तुम्हें, क्या नहीं है, मम्मा के लिए, मम्मा के लिए, ये दोनों आज पीला कुर्ता क्यों पहन कर आए? अच्छा ये लो, तुम्हें भी ये चाहिए, तुम किसको दोगे? अब्बू को, अब्बू के लिए है ही नहीं, नहीं नहीं, नहीं, नहीं भाग जाओ, भाईजान के लिए नहीं है,
नहीं नहीं है बेटा, कब बहन के लिए दूंगा, अम्मी के लिए लेके जाऊंगा बाजी, अब वो फेशियल कैसे करेंगे, फिर बेचारी मेरी बहन फंसेगी। नहीं ना, अब तो बारी है, हाँ आने दे किसी एक की। हाँ जी, जो मांगता उसको तो मैं वैसे ही नहीं देती, और जो लोग खामोश होते हैं उनके ऊपर मुझे वैसे ही बड़ा प्यार आता है। इतने हसीन तरीके से बैठी है तो इसको मैं ना कैसे कर। देखिए बच्चा हो के नहीं मांगा, और आप लोग बड़े हो के ऐसा ऐसा हाथ करें, ये अम्मी को देना तो मेरी तरफ से नेचुरलाइज की। ये डॉक्टर बिल्किस का जो पूरा फेशियल किट है, ये इसका भी जस्ट क्रीमे ना समझेगा, ये पूरा फेशियल किट है जिससे आप फेशियल करें और खूबसूरत हो जाए, है ना। जिसे सरकार फरमा दे कि बताओ और क्या चाहिए, चाहिए। तो मांगने वाला भी तो ऐसा हो जिसे इस बारगाह रिसालत से मांगने का ढंग आता हो। हजरत रबिया बिन काफ रदी अल्लाह ताला अन्हो सरकार के लिए वजू के लिए पानी लेके खड़े हैं, तहज्जुद का वक्त है, सरकार हुजरे मुबारक से जब तशरीफ लाए तो हजरत रबिया सामने खड़े थे। सरकार ने फरमाया रबिया क्यों खड़े हो, सरकार खिदमत के लिए हाजिर हो। बस दरिया रहमत जोश में आ गई,
सरकार फरमाते हैं सल रबिया, मांग क्या मांग? क्या मांगता है? हजरत रबिया बिन काफ ने जो मांगा है, अल्लाह हमें भी ऐसा मांगना अता फरमाए, ऐसा नसीब फरमाए। भर के झोली मेरी, मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। तो रबिया ने और क्या मांगा कि आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। दर्द जामी मिले नात खालिद लिखे, दर्द जामी मिले नात खालिद लिखे, और अंदाजे अहमद रजा चाहिए, और अंदाजे अहमद रजा चाहिए। आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अली, हमारे पास कितना टाइम है अभी? ओके ओके, मैं एक बात अर्ज करूं आपकी इजाजत से, मैं एक बात अर्ज करूं, रमजान का महीना है और हर शख्स जो है वो अपनी ज़कात निकाल रहा है इस महीने में, खास तौर पे इसी महीने में हम ज़कात निकालते हैं, हम सोचते हैं कि ये इसमें अजर और सवाब ज़्यादा होगा, ये इसलिए हम सोचते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, इस बात को आपने दिल से सोचिएगा और दिल से सुनिएगा, कितनी अजीब बात है कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो सारा साल हमारे लिए, ये इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, ज़कात निकालते हैं, वो सारा साल हमारे लिए भेजते हैं। हम जब खुदा के नाम पे देने लगते हैं तो हम मोहताज को ढूंढते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो कि मेरे माल का हकदार है, और शायद इस बात में इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि उसकी अपनी इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह हो रही हो या ना हो रही हो। लेकिन वो लोग जो मुसलमान भी नहीं हैं, पाकिस्तानी भी नहीं हैं, और वो आपको जानते भी नहीं हैं, वो आपके लिए, आपके लिए भी नहीं सिर्फ, वो आपके बच्चों के लिए बगैर आपको देखे, बिना आपको देखे लाखों डॉलर आपके इस मुल्क में भिजवाते हैं, बगैर इस चीज़ का फैसला किए कि आप इसके अहल हैं या नहीं, आप मोहताज हैं या नहीं, आप पे ज़कात लगती है या नहीं, बगैर ये फैसला किए, बगैर आपको देखे क्यों भेजते हैं? ताकि आपके बच्चे तालीम पा सकें। कहा मेरे रसूल ने इब्ने माजा में कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत पे फर्ज है, अब इस फर्ज को निभा कौन रहा है? यह कहानी आपके सामने आज लाता हूं। मुझे पहला तजर्बा हुआ एक हजरत से मिलने का, कराची के चंद दोस्त, जैसे आम लोग जवानी में होते हैं, एक दिन पार्टी से आ रहे हैं और रास्ते में अपनी गाड़ी में बात करते हैं कि कमाल है ये जिंदगी, जो इतना पैसा अल्लाह ने हमें दिया है हम उड़ा रहे हैं, हम कुछ ऐसा काम क्यों नहीं करते कि हमारी इस माशरे में कोई कंट्रीब्यूशन हो। मैं हमेशा बड़े अदब के साथ अपने दोस्तों से हमेशा कहता हूं कि जो 1947 में मदरसा था वो 2016 में भी आज मदरसा है, वो यूनिवर्सिटी नहीं बना। ये हमने क्यों नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो अपने इस वक्त के कैदी नहीं रहे कि आज अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हम लोगों को ना दे सकें।
मैं पहली दफ़ा इस स्कूल के, अभी मैं आपको बता नहीं रहा ये कौन सी जगह है, मैं पहली दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ कि इन लोगों के लिए आप जाइए और अमेरिका से जाके पैसे इकट्ठे करके लाइए। मेरी समझ में नहीं आ रही थी बात कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए पैसे क्यों देगा और हमारे बच्चों के लिए तालीम के पैसे क्यों देगा। मैं स्कूल में गया जो कि लाहौर डिफेंस के मुसाफात में है और ऐसी जगह पे है जहाँ पे ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, वहाँ पर आपको कीचड़ में से चल के अपने घरों का सफ़र करना पड़ता है। इस स्कूल में गया और इस स्कूल में जहाँ मेरा दिल बदला वो एक लड़की थी जिसने एक जुमला कहा। मैं नौवीं क्लास के अंदर गया और एक लड़की को कहा मैंने कि तुम क्या समझती हो कि तुम यहाँ पढ़ के कैसे का अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाओगी। उसने कहा मैं यहाँ से पढ़ के अपनी ज़िंदगी को कामयाब नहीं बनाऊंगी, मेरा जो छोटा भाई है अगर इसका मैंने मुस्तकबिल सही बनवा दिया तो मेरी कामयाबी ये होगी। अगर एक नवी जमात की बच्ची ये जज्बा रखती है कि कामयाबी किस बला का नाम है तो खुदा की कसम आज हम तमाम लोगों को उफक की तरफ नहीं देखना, हमें अपने गिरेबानों में देखना है कि अगर एक स्कूल एक उस बच्ची के जिसके घर में पीने का पानी ना हो, जिसके घर में आप जाके पानी मांगे तो ग्लास ना हो पानी देने का, आज वो तालीम भी हासिल कर रही है और अपनी कामयाबी के सही मकसद को भी जानती है। ये वो जगह है जिसका नाम है पाकिस्तान में द सिटीजन फाउंडेशन। द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल, तकरीबन 1200 से जायद स्कूल हैं, ज़िया मैं ठीक कह रहा हूँ, 1200 से जायद स्कूल हैं इस वक्त पाकिस्तान के। और ये तमाम स्कूल जो हैं, मैं आपको ये पूरे दावे से कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर, क्योंकि मेरा अब तालीम शोबे से ताल्लुक़ है, इस मुल्क के अंदर जो बेहतरीन स्कूल हैं ये उन स्कूलों में से एक स्कूल है जिसमें आप 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए या पूरी फीस दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके अपने वसाइल क्या हैं। और अगर बच्चा या बच्ची स्कूल नहीं आता तो टीचर जो है वो घर जाता है और माँ बाप को जाके कन्विंस करता है कि तालीम आपके बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। वो केसेस जिनके पास, मैंने उन बच्चों से मुलाकात की जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, पीने को पानी नहीं था और माँ बाप औलाद को पैदा करके अफसोस कर रहे थे कि अब इनके लुकमे कहाँ से भरेंगे, आज वो कामयाबी की उन दहलीजों पे हैं कि कुछ सिविल सर्वेंट हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ नेवी में हैं, कुछ आर्मी में हैं और आज एक उस्तानी जो आइंदा मुस्तकबिल बनाएगी बच्चों का, और एक वो बच्चा जो शायद रोटी में कमज़ोर ज़रूर था, पेट भर खाना नहीं खा सकता था, लेकिन अमरीका गया और तालीम हासिल करके आया और 100% मेरिट के ऊपर। ये वो पाकिस्तान है जो आज हमें अपनी सही तस्वीर दिखाता है, जिन्होंने ना होते हुए अपने आप को उस जगह पे लेकर आए जहां आज ये बच्चे जो हैं ये इस दुनिया को ही नहीं इस पाकिस्तान को देने के काबिल हैं। आज हमें इनके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा जज्बा है जो देर से ही लेकिन हमारे पास आ ही जाता है। बहुत शुक्रिया ऑडियंस, थैंक यू सो मच। हमें इन, ये जो जिस तरह इन्होंने बात करी, इन लोगों को हमें ऐसे ही वेलकम करना चाहिए। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा हाल है और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ये हमारा ना हाल है ना मुस्तकबिल है, ये हमारे उस्तादों के लिए और हमारे हमारे हुक्मरानों के लिए एक नसीहत है कि अगर कोई शख्स इस मुल्क में कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ज़िया, आप इस TCF को रिप्रेजेंट भी करते हैं, मुझे इंतहाई मुख्तसर बताइए कि इस वक्त TCF पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहुत मुख्तसरन, जैसे आपने कहा 1200 से ज़्यादा स्कूल्स हैं और अब हमारे पास 2.25 लाख तालिबे इल्म हैं जो कि तमाम इसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो अपने माली तौर पे शायद, मैं इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, माफ़ी के साथ आप मेरे बेटे जी, जी 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 ये लेफ्ट ओवर्स थे, ये माशरे के लेफ्ट ओवर्स थे जिनको माशरा पूछता नहीं था, आज वो माशरे के अंदर आपकी इजाज़त से और आपकी इजाज़त से जैसे आप ने इतनी खूबसूरती के साथ तालीम को आम किया है, इसके बारे में तो यकीन अभी हमारी ऑडियंस जानेगी। इसी तरह बहुत से हमारे ऐसे आर्टिस्ट हो रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं, जो अपने
अपना टाइम निकालते हैं, काम करते हैं और आप तक अच्छे बुरे हर करेक्टर को इस तरह खुल के सामने रखते हैं कि आपको उनकी अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं, उनकी बुराइयाँ भी नज़र आती हैं और अपनी ज़िंदगी में होती हुई चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से फिर जान सकते हैं। ऐसे ही एक और बेहतरीन इंसान, बेहतरीन आर्टिस्ट, इंसान मैं इसलिए कहूँगी कि उसके आर्टिस्ट बनने से पहले से मैं उसे जानती हूँ, मेरे सामने तो वो छोटा सा बेबी बड़ा हुआ, लेकिन इसलिए मैं उसे कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो वो बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन बेटा है, बेहतरीन भाई है और बेहतरीन शौहर है। तो आप सब की भरपूर तालियों में मैं वेलकम करूंगी कामरान जिलानी को। मैंने कहा जब दो अच्छे लोग एक जगह जमा हो तो ज्यादा गुफ्तगु का मजा भी आएगा। प्लीज कामरान बैठिए। जी सर जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ये कहने को तो एक तालीमी इदारा है, 2.25 लाख बच्चे, और जैसे आपने कहा हमारी कोशिश है कि इनको बेहतरीन तालीम मिले, मगर असल में ये एक मुहिम है, क्योंकि इसके इसके फंडामेंटल्स में ये बिलीफ, ये ईमान है कि हर बच्चा, चाहे वो महल में पैदा हो, चाहे वो झुग्गी में पैदा हो या खुले आसमान के तले, उसका यह हक है कि उसको वो तालीम मिले, उसको वो मौका मिले कि वो अपनी ज़िंदगी के ज़ाती, माशरती, माशी फैसले सही तौर पर कर सके। वो अपने पैरों पे सिर्फ ना खड़ा हो सके बल्कि एक शहरी, फाल शहरी बन सके। जब तक हम ये बच्चे, इन बच्चों को ये मौके नहीं दे सकते, हमारी कौम का फ्यूचर इसी तरह रहेगा। ज़िया एक सेकंड रुक जाइए, ये जो ज़िया बात कर रहे हैं ना, हो सकता है आपको कहानी लग रही हो कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे ये बन जाएं वो बन जाएं, ये कहानी नहीं है। ये ख्याल उन लोगों का है जिनको आज इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने उनको इतना रिस्क दिया है कि वो अपनी 7 नस्लों के लिए भी अगर छोड़ के जाना चाहें तो वो छोड़ के जा सकते हैं। ये उन लोगों का ख्याल है कि हम अपनी ज़िंदगियों में पाकिस्तान के बच्चों की वो कंट्रीब्यूशन देखें। और बहुत खूबसूरत बात है जो मैंने ज़िंदगी में तजर्बा किया इनके यहाँ, जो वॉलंटियर्स आते हैं बाहर के, यकीन कीजिए मेरे साथ 3 वॉलंटियर्स थे, मैं डैलस की बात कर रहा हूँ और डिट्रॉइट की बात कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनमें से एक जेनेटिकल इंजीनियर है, डॉक्टर, जो कि दुनिया में सिर्फ 7 लोग हैं जिनमें से एक वो औरत जो मेरी गाड़ी चला रही है और एक वो औरत जो कि सिर्फ ये देखती थी कि मैंने आज शॉपिंग तो नहीं करनी क्योंकि एक रात का फंक्शन था, ख़त्म हो गया, ये नहीं करना। वो औरत खरब 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 पति, और उसने अपनी तमाम जायदाद जो है अपनी जिंदगी के बाद TCF को वक्फ की है। सुभान अल्लाह। यकीन कीजिए एक एक मजलिस में, ज़िया जी, ये तजर्बे से देख के कह रहा हूं, एक एक मजलिस में हम 2-2 लाख डॉलर इकट्ठे करने जाते थे और हम 6-6 लाख डॉलर लेकर आते थे। ये वो लोग थे जिनका हमें नाम नहीं पता, जिनका हमें कयाम नहीं पता, और वो लोग आते थे और देते थे। और मैं हैरान होता था कि मेरे वो बेटे और बेटियां जो लाहौर में इनकी वजह से या पाकिस्तान में इनकी वजह से तालीम हासिल करेंगे, उन गांव में, उन जगहों पे जहां बिजली पानी का नाम नहीं है, वो अपना किरदार बनाएंगे, इस मुल्क को कंट्रीब्यूट करेंगे, और ये लोग जो हैं इनको इल्म भी नहीं है। इनसे बात करूं जो माशाल्लाह इस ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाते हैं, ये भी हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये बेटा और बेटी हमारे साथ हैं, और ये कितने कामयाब स्टोरीज़ हैं, ये वापस आते हैं और आपसे अर्ज करता हूँ। नाज़रीन वापस आ गए, जल्दी से बताइए क्या बना रहे हैं आज हम, कुछ मुझे मीठा लग रहा है। आज मीठा ही बना रहे हैं और कोशिश यही होगी कि जितनी भी हमारे अब क्योंकि अब सारे ताकर आते हैं तो हम कोशिश करें कि मीठा बनाएं और ताकि आप लोग ईद पे भी उसको ट्राई कर सकें। आज हम बना रहे हैं रोज़ बर्फी। बर्फी तो हम लोग सुनते हैं कि पिस्ता बर्फी होती है, काजू की बर्फी होती है, बादाम की बर्फी होती है, सादी बर्फी होती है, लेकिन आज हम ये गुलाब के पत्तियों के साथ जो है वो मिलाकर हम बर्फी बनाएंगे और उसमें एक लेयर जो है वो खोए की होगी, एक ज़ाफ़रानी खोए की होगी और एक जो है वो जो गुलाब की जो पत्तियाँ हैं उसकी होंगी। तो ये घर में आप बना सकते हैं और ख़ासतौर पर वो जो अब किसी के घर मेहमान बन के जाएंगे तो आप लेके जा सकते हैं। तो गिफ्ट बड़ा अच्छा है। इसमें हम जो है वो खोया इस्तेमाल करेंगे, ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दूध हमारे पास रखा हुआ है, यहाँ पे कंडेंस मिल्क है यानी कि जो मीठा दूध है वो, यहाँ पे नारियल का जो बिल्कुल सूखा नारियल है वो लेंगे,
यहाँ पे घी लेंगे जो गोल्डन सन का वनस्पति है वो लेंगे, और यहाँ पे ये रोज के फ्लावर्स हैं, और ये इलायची पाउडर, इलायची पाउडर, ये मीठे की जान है, और हम इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका जायका जो है वो अच्छा अरोमा आए इसका। अब आएंगे शेफ फरहान की तरफ, अंगूठी तो उतार के दे दें फिर भूल जाएंगे आप, इनकी अंगूठी मुझे ये वाली बहुत पसंद है जी। शेफ फरहान आप क्या बनाएंगे? सेकंड रेसिपी हमारी है कचौरी, और ये स्टार ज्वेल्स की अंगूठी है, तो थैंक यू ज़ैनब आहद आपने मुझे जी बताइए। सेकंड हमारी रेसिपी है कचौरियाँ। अच्छा जी कचौरियाँ, बिल्कुल जिस तरह से बात की गई ईद पे लोग बर्फी के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कचौरियों का ही बनता है, नमकीन होना चाहिए कुछ, और घर में कचौरियाँ बनाना आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है वही रेसिपी। तेजी से चलेंगे, टाइम नहीं है। अच्छा कचौरी में मैं यूज कर रहा हूँ मैदा और फाइन आटा मिक्स करके, ठीक है ठीक है, और उसके साथ यूज करेंगे ऑयल, गोल्डन सन ऑयल, नमक और अजवाइन, ये कचौरी की एक आटे की रेसिपी है, ठीक है। उसमें हम अंदर भरेंगे दाल, चने की दाल, दाल चने की दाल है, और इसके साथ हम बनाएंगे आलू की भाजी, कचौरियों के साथ आलू की भाजी, उसमें हम यूज करेंगे आलू। मैं कहती हूँ आप कुछ भी बना दे, जब तक तिलों वाला नान और गोल नहीं बनेगा मेरा भाई नहीं मानेगा। वापस आ चुके हैं हम, और अब मैं चाहूंगी कि जफर से बात स्टार्ट करूं। जी जफर, मैं चाहूंगी थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना जरूर बताइएगा लोगों को, फिर अपनी कामयाबियां भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं फाटा से बिलोंग करता हूं, नंडी कोतल तहसील सखेबर एजेंसी के। 2009 में हम कराची आए थे, मेरे वालिद साहब ड्राइवर है, और नामसाइद हालात की वजह से बीच में हमारी फैमिली वापस चली गई थी, मैं कराची में अकेले रहा एक साल। TCF से इसी दौरान मैट्रिक किया, और फिर TCF तक कैसे पहुंचे थे आप? TCF अच्छा, उस वक्त जब हम गांव से आए थे कराची में, तो मैं 3 महीने नहीं पढ़ता था, किसी स्कूल नहीं जाता था, जब तक हमें पता नहीं था कि ये TCF है और ऐसे तो स्कूल है जो फ्री एजुकेशन भी देता है। बिल्कुल जी, तो हम फिर TCF में मैं गया, फिर एडमिशन लिया, उन्होंने यूनिफॉर्म दिया, बुक्स प्रोवाइड किए, जो भी मतलब नीड थी ना, बहुत ही कम फी पे जो, और उसके बाद TCF में पढ़ाई शुरू हुई और सफर चलता गया, TCF में सीखते गए, ठीक है। और तुम इसीलिए वापस नहीं गए क्योंकि तुम पढ़ रहे थे? जी बिल्कुल, मैं अकेले कराची में इसी वजह से रह गया था कि मैं बाकी घर के जो अखराजात थे वो वालिद साहब क्योंकि काम जी बिल्कुल वालिद साहब मेरे ड्राइवर है तो किसी तरह से पूरे कर लेते थे, तो ये अच्छा था कि उन्हें मेरे एजुकेशन के हवाले से फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। जी फिर कहाँ तक तालीम हासिल की? तो फिर मैट्रिक करने के बाद ये यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिली। किस शहर में? किस जगह? बोस्टन हर्ज़ेगोविना में, यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज। अच्छा, और अभी वहाँ से मैं 2 साल पढ़ के आया हूँ, अभी मुझे USA में स्कॉलरशिप मिली है बैचलर्स पढ़ने के बाद, यानी कि अभी आप ए लेवल हो? जी बिल्कुल, अभी आप ए लेवल? जी बिल्कुल। तो वहाँ तालीम में कोई तुम्हें दिक्कत नहीं हुई, जुबान में, अंग्रेजी में, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई? ओ, पहले से एक अंग्रेजी पे थोड़ी कमांड थी, लेकिन वहाँ पे 1 महीना बाद 2 महीना बाद जैसे लोगों से बात करते गए, कोशिश करते गए, जबान आती भी, वैसे भी जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ ज्यादा जल्दी आप देखो, एक वो फाटा का बच्चा। TCF में जो तालीमी मेयार है, इसीलिए आपको मैं एक चीज कहती हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में जाएगा, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ स्कूल का, तो ही इसको अंग्रेजी बोलना आएगी, और हम ये समझते हैं कि जो भी स्कूल डोनेशन से बने वहाँ तो तालीम का मैयार हो गए नहीं। एक बच्चा जो बाहर जाके तालीम हासिल कर रहा है और वो इतना कॉन्फिडेंट था कि वो कह रहे कि मुझे वहाँ इतनी मुश्किल दरपेश नहीं आई क्योंकि ऑलरेडी मुझे जो था वो अबूर हासिल था अंग्रेजी के ऊपर, और फिर तो जो 2 साल की स्कॉलरशिप थी ये भी स्कॉलरशिप थी, फ्री था ये? जी बिल्कुल, फुली फंडेड, फुली फंडेड। और अब जो अमेरिका में स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड, फुली फंडेड। अब क्या पढ़ रहे हो? अब क्या कर रहे हो? पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ने का इरादा है वहाँ से। जी बिल्कुल। किस स्टेट में जा रहे हो आप? ओरेगन। ओरेगन में जा रहे हो? ये बच्चा जिसके वालिद जो है वो ड्राइवर है, फाटा से बच्चा आया है यहाँ पे कराची में, इसलिए रहा कि तालीम हासिल करनी है, ये अब अमेरिका 100% स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप पे जाएगा और ये अमेरिकन हासिल करेगा। इसमें पाकिस्तानी का बड़ा कम हिस्सा है, मैं चाहूंगी आप दोनों भी इसमें अपना हिस्सा जरूर डालें गुफ्तगू का। मैं तो एक चीज बड़ी इस बात से पता चलती है कि जरूरी नहीं है कि वे कहते जी पीले स्कूल से पढ़ लिख के लोग सही नहीं निकलते, बच्चे का खुद का भी इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, पीले स्कूल से भी बड़े अच्छे
नामी ग्रामी लोग निकले और ऐसे भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं कि बच्चा बिल्कुल डफर है, कुछ कर ही नहीं रहा। और तो ये बड़ी एक वाजे बात ही पता चली कि बच्चे का इंटरेस्ट, मैं आपको एक आई डोंट नो इफ यू नो दिस कि पाकिस्तान के अंदर जो 98% लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते हैं वो आला तरीन स्कूलों में से पढ़े लिखे नहीं होते, गवर्नमेंट स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े लिखे होते, बल्कि वो बड़े बड़े स्कूल्स की तो और चीजें बड़ी अब डिफरेंट हो गई हैं, बहुत अब ज्यादा मुश्किल है माँ-बाप को, और वो बड़ी एक जी एलीट क्लास और बड़ी उनकी चीजें बड़ी डिफरेंट है, उसमें बच्चे के खराब होने के और ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे भी बहन से बात करना चाहिए बेटा। अच्छा यार एक मुझे आखिरी सवाल बताओ जरा इसको देना, ये जो तुम वापस कितने सालों बाद आओगे अमेरिका से? अभी तो आओगे ना? जी बिल्कुल, अकेले ही आओगे ना भाई? और क्या सोच के रखा है अकेले जब वापस आओगे तालीम मुकम्मल करके तुम क्या करोगे यहाँ? क्या करोगे? देखिए मैं अगर कोई छोटी सी चीज बता सकूँ, मेरी जैसी कहानी है हमारे मुआशरे के जो लोग हैं, ठीक है, हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ लोग बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अगर जैसे TCF के जैसे फाउंडर्स हैं, इन्होंने 21 साल पहले नहीं सोचा हुआ होता कि TCF जैसा इदारा बना सके, आज मेरी स्टोरी एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल। और ऐसे हजारों दूसरे, और जो रोज सुबह 1,75,000 बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, ये कहानियां नहीं होती, ये कई कचरा चुन रहे होते हैं कि कोई क्या कर रहा होता, कोई क्या कर रहा होता। तो मेरा भी यही इरादा है, ठीक है, कि मैं भी इसी तरह से लोगों के लिए, जो मैं जिस तरह से उठा इसी तरह से मैं लोगों के लिए काम कर सकूं, दूसरे लोगों के लिए मौके पैदा कर सकूं। और इसीलिए ही मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान से बाहर मतलब हो ही नहीं सकता कि मैं वापस ना आऊं, यहां से दूर रहूं, वापस बस अकेले ही आना है। दानिश को सिर्फ मसला ये कि वो अकेले आए क्योंकि खुद जल्दी फंस गया है ना, जाने का मौका नहीं मिला। क्या मैं, इनका ताल्लुक फाटा से है? जी जी, पश्तो बोलने वाले हैं जी, सर वो अंग्रेजी भी कयामत बोलता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो तो बोलेगा लेकिन ये उर्दू इतनी अच्छी साफ बोल रहा है कि कहीं से दूर तक भी पता नहीं चला कि ये खान साहब है। मेरा ताल्लुक ठट्टा से है, ठट्टा के एक छोटे गांव से है, साकरो नाम है उनका उसका, तो हमारा पूरा गांव वहीं है। मेरे फादर कराची आए काम के सिलसिले में, तो वो भी रेडी गोर के एक वो भी एक बस्ती सी है, तो वहाँ पर वो फिशिंग का काम करते हैं, मछली का फिशरमैन है। तो हम लोगों को वो गांव से लेकर कराची आए ताकि हम तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो कि पढ़ी लिखी हो, जो कि यूनिवर्सिटी तक जाए, या जो कि बाहर निकली हो, जो जिसने बाहर की दुनिया देखी हो। तो मेरे फादर चाहते थे मेरी बेटियां पढ़ें, मेरी बेटियां तालीम हासिल करें, इस वजह से वो तुम्हारे बाप के लिए ये सोच के लिए ताली होनी चाहिए सबसे पहले तो। बिल्कुल, और आप समझ सकते होंगे कि मैं पहली लड़की निकली हूँ जो कि मेरे फादर ने मुझे बाहर निकाला, पढ़ाया, तो उनको क्या कुछ फेस करना पड़ा होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि हमारे माशरे में, और बिलखसूस उस माशरे में जिससे मैं निकली हूँ, जिस सोसाइटी से मैं आई हूँ, तो उनको क्या कुछ फेस करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? मैंने अभी इंटर किया है और अब मैं सितंबर में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी इंशाल्लाह। क्या पढ़ोगी? क्या पढ़ रही? मैं सोशियोलॉजी पढ़ूंगी। किस यूनिवर्सिटी में? कराची यूनिवर्सिटी में। और अब क्या कर रही हो? अभी मैं TCF जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है वहाँ पढ़ा रही हूँ, और इसके अलावा मैं अपने एरिया में जो वो औरतें और लड़कियाँ जो कभी स्कूल नहीं गई और उनको पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं उनको पढ़ाती हूँ। एक ऐसी बच्ची जिसके के वालिद फिशिंग करते हैं, अपनी बच्ची को तालीम दिलाई, और ये बच्ची जिसने अभी इस छोटी सी उम्र में सिर्फ इंटर किया, FA किया है, आप में से बहुत सी बच्चियाँ होंगी जिन्होंने BA किया हुआ है, ये बच्ची अपनी सिर्फ तालीम के बारे में नहीं आगे सोच रही कि मैंने आगे पढ़ना है, ये अपने उन लोगों को भी पढ़ा रही है अपने मोहल्ले में जो आपकी उम्र के हैं, इससे छोटे हैं, लेकिन तालीम से वो दूर रहे। ये कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आप में से हर शख्स जो है वो दूसरे के लिए कर सकता है। ये वो निशान है, ये वो तगमे हैं जो हमारे सीनों पर लगे हैं फातिमा और ज़फ़र के तरह, जो कि इस मुल्क के नाम को रोशन नहीं करते, हमारे सीनों को बड़ा भी करते हैं। दानिश, बहुत खुशी हो रही है इन लोगों को देख के, और तालीम सबका हक है, और मुझे लगता है कि ये जो इदारा इतना कुछ कर रहा है बच्चों की तालीम के लिए, बहुत बड़ा काम है। और
उन पेरेंट्स के लिए भी एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है जो अपने बच्चों को तालीम की इजाज़त देते हैं उनको। हालांकि इनके वालिद भी चाहते तो कहते हैं भाई मैं अकेला हूँ तो मेरे साथ काम करो और मैं लोगों की क्यों सुनूंगा, मैं क्यों सुनूंगा। वो अब काम कर रहे हैं और ये तालीम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक बड़ा ग्रेड लेके आएंगे तो अपने पेरेंट्स को और अपने मुल्क को सर्व करेंगे। इसी तरह ये भी माशाल्लाह, तो हमारे यहाँ टैलेंट तो डेफिनेटली है लेकिन सहूलतें नहीं है, सहूलतें उस इदारे को बहुत ज़्यादा ये खराज तहसीन जाता है जो सहूलतें भी पेश कर रहा है, क्योंकि ये सब नहीं करते लोग अपनी औलाद के बारे में तो सोचते हैं लेकिन दूसरी औलाद के लिए दूसरे के लिए नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात, ये बहुत अच्छी बात। जब आप जब तक अपनी गुफ्तगू में हिस्सा डालिए मैं तब तक अपनी ऑडियंस तक जाती हूँ, उनके पास आपके लिए बहुत सवाल आते हैं। बिल्कुल लाइए जी माइक लेकर आइए जल्दी से, किसने सवाल करना है जल्दी से। वो हो पहले तो ये इतना खूबसूरत है, ये लीजिए ये माशाल्लाह जुम्मतुल विदा के मौके पर मेरा बच्चा लेकर आइए, ये लेके जाएंगे और जल्दी से हायर कर स्मार्टफोन लेकर आइए इसके लिए। ये बेटा आपको इतना खूबसूरत आपने ये बनाया है, ये हायर कर स्मार्टफोन आपको मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी हाँ बोलो। बाबा के लिए बाइक चाहिए, बहन के लिए भी बाइक मांग लेते हैं, मेरे पास भी बाइक नहीं है और पानी बहुत भरा हुआ है, यकीन मानो गाड़ी भी नहीं चलती। ये फिलहाल तो ये स्मार्टफोन आपका हुआ, बाद में देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। ये रखिए जी, मेरी बहन क्या सवाल करेगी जल्दी से पूछिए। कामरान से और दानिश हमारे साथ है, सोच समझ के सवाल कीजिएगा, दानिश ने उड़ा के फेंक देना होता है, ऐसे छक्का मारता है ये। दानिश भाई मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आपने इतने सारे ड्रामे किए, आपको खुद अपने किस ड्रामे की एक्टिंग पसंद है सबसे ज्यादा? ये वाली एक्टिंग करनी है मुझे एक बार। नहीं मैंने इतने ज्यादा ड्रामे वैसे किए नहीं है, सीटी तो इंशाल्लाह कोई अच्छा ड्रामा मिलेगा तो उसमें करूंगा, तो फिर शायद मुझे लगे कि मैंने अच्छा काम कर रही हूं। जी जी थैंक यू, कोशिश कर रहे हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे? एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, खड़ी हूं। मैंने जो है वो डबल मास्टर्स किया हुआ है, मैं भी जो है वो सोशल वर्क करना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है कि कहाँ किस तरह जाएँ पढ़ाएँ और हम मैं अपनी तालीम को यूटिलाइज़ करूँ, मैं भी काम करना चाहती हूँ। जी आप ज़रूर TCF से रुजू कीजिए, tcf.org.pk हमारी वेबसाइट है, 1118238823 हमारा नंबर है, हम हमेशा कोशिश रहते हैं कि पाकिस्तानियों को इस मुहिम में शामिल करें। ज़बरदस्त जी। दानिश भाई से माइक को करीब रखेंगे तो आवाज है। दानिश भाई आप ये बताइए कि आप भी एक्टिंग करते हैं यासिर भाई? माइक आप भी एक्टिंग करते हैं, यासिर भाई भी एक्टिंग करते हैं, आपके समझ में क्या आता है कि यासिर भाई अच्छा कर काम करते हैं या आप अच्छा काम कर रहे हैं? इनको लगता है इनकी भाभी ज्यादा बेहतर करती है। बीच काम बीच। तो मैं ही अच्छा करता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसलिए मैं इस शो में आया हूँ, वरना यासिर आ रहा होता। वहाँ किसी ने सवाल करना है, आपने सवाल करना है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कामरान जिलानी साहब, कामरान जिलानी से जी पूछिए। बहुत कम आ रहे हैं ड्रामों में कामरान, आप बहुत कम आ रहे हैं ड्रामों में, मेरा आप बहुत कम टीवी देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि जब आर्टिस्ट ज्यादा रिकॉर्डिंग करो तो फिर एक साथ ड्रामे ऑन एयर होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तीन ड्रामे ऑन एयर हैं और ईद के बाद दो ड्रामे ऑन एयर। आपका कौन सा टीवी है? हाँ ये भी पूछ लो, ये हायर के टीवी में आ रहा है। आपके पास कोई सोनी का होगा? अरे वाह, मेरे भाई के नाम कुछ आया है, और मेरे भाई के नाम कुछ आया हो और बहन ना पहुंचे, ये कैसे हो सकता है? बताइए किसने बनाया ये बिछड़ा कुछ इस तरह से, एक शख्स सारे शहर को वीरान, बिछड़ा कुछ इस अदा से है बेटा, तरह से नहीं है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये रखिए, ये सारी जिंदगी हमें याद दिलाएगा भाई से लोगों की जो मोहब्बत है अमजद साबरी साहब से, वो कम हो नहीं सकती है ना। हाँ जी, और मेरी बहन के लिए हायर का फोन ला के दीजिए, और वो उन्होंने जो आप जो मांगता है ना, मेरा यकीन मैंने दिल ही नहीं करता उसको देने का, लेकिन आप इतना खूबसूरत वो बना के लाएंगे तो उस पर मैं वैसे ही आपको फोन दूंगी एक, ठीक है जी। जी किसने सवाल करना था या जिनकी वजह से मैं यहाँ भागी भागी आई थी, आपने करना है, ये लीजिए मैं आप तक आ रही हूँ। अच्छा मेरे लिए चूड़ियाँ आई हैं, ओह वाह वाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिहाना शेरा है और मेरा सवाल जो है वो TCF इदारे से है। आपके यहाँ जो ये इदारा है, आपने कहा कि ये पाकिस्तान में है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान कराची में, मैं बिलोंग करती हूँ कराची में,
اور میرے 16 بہن بھائیوں میں سے میں نے صرف گریجویشن اپنے بل بوتے پہ کیا. دین آئی وینٹ ٹو یو ایس اے, گاٹ میریڈ اینڈ وینٹ ٹو یو ایس اے. میرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں بھی بہت سی بستیاں ایسی ہیں جہاں پر بچوں کو پڑھنے کا شوق ہے, وہ بچے پڑھ نہیں پاتے, یہ ان کی پیرنٹس کی وجہ سے یا پیرنٹس ان کو کچھ حالات کی وجہ سے. تو اس آپ کے ادارے تک رسائی کے لیے کیا ایسی معلومات ہیں, آپ لوگوں کی کوئی ویب سائٹس ہیں جس کے ذریعے یہ بچے آپ سے رجوع کر سکیں؟ جی ضرور. ایکچولی ہمارے صرف کراچی شہر میں 370 اسکول یونٹس ہیں. آپ کو یہ اس لیے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ شرائے فیصل پہ کوئی اسکول یونٹ نہیں ہے. ہم ادھر اسکول بناتے ہیں جہاں بچے اور خاص طور پہ بچیاں چل کے جا سکیں. سو بالکل نواحی بستیوں میں, کچی آبادیوں میں اور گوٹھوں میں جہاں جہاں ہمارے اسکول ہیں. اور یقین کیجیے ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بنائیں, مگر 2.5 کروڑ بچے جس طرح ظفر نے کہا ابھی بھی اسکول سے باہر ہیں. یہ پرابلم اتنی بڑی ہے کہ صرف ایک ادارے کا کام نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے ہمیں جیسے میں نے کہا ایز اے فرد بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ اپنے اپنے طور پہ جہاں جہاں ہمیں موقع ملے وہاں ہم اس تعلیم کو عام کریں. جی ہماری ویب سائٹ پہ ضرور جائیں. کیا جی 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 کہیے. جنہوں نے ہم سے سوال کیا ان کو بھی ایک ہائر کا موبائل دے دیں آئے ہائے, تاکہ وہ یہ نہ سوچیں یہ سب اب آپ سے سوال شروع کریں گے. جی السلام علیکم. میرا سوال دانش بھائی سے. دانش بھائی آپ کا فنی شو آتا تھا جگریا اور کلثوم کی لو اسٹوری. جی جی میں چاہتی ہوں دوبارہ کوئی یہ سب شو شروع کرے, ورنہ جو مزہ آئے عوام دیکھیں. اے منجا مولا. جی ایک دفعہ پھر ہو جائے. اے منجا مولا میری بہن, یہ کیا فرمائش کر دی آپ نے, بہت اچھا لگنا ہے. آپ مزاق میں انشاءاللہ کنٹینیو رہ رہے بھائی, اس میں کنٹینیو رہ رہے تبھی ہائر کا موبائل یہاں تک پہنچے گا. بالکل انشاءاللہ. بھی رمضان کے بعد نا ہمارا پورا پروگرام ہے کہ یہ والا پروگرام دوبارہ سے شروع کریں گے, اور خاص طور پہ میں آپ کے لیے ضرور پروگرام بناؤں گا, فکر مت کیجیے. آپ میں سے کسی کو سوال کر دے. جی اچھا جی بہن کو دیجیے جلدی سے. کامران بھائی سے سوال کرنا, آپ کے کتنے بچے ہیں گے؟ کامران بھائی سے سوال کرتے کتنے بچے ہیں؟ جتنے بچے اچھے ہونے چاہیے. دو بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی. ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی, بس یہ پوچھنا تھا. اچھا جی اور کسی نے کوئی سوال؟ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں. ہاں جی یہاں سے کسی نے. گریٹ, اب میں نیچے جا سکتی ہوں, مجھے اجازت ہے. یہاں لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد ملتے ہیں. اپنے مہمان ہمارے یہاں موجود ہیں, ان سے گفتگو جاری رہے گی اور اسی طرح گپ شپ, ہنسی مذاق اور پھر بہت سارے گیمز بھی ہیں جو ہم نے کھیلنے ہیں, ہماری آڈینس کے ساتھ گیمز ہیں جو ہم نے کھیلے, لیکن یہ سب کچھ ہوگا ایک بریک کے بعد. ملتے ہیں, بریک لیتے ہیں. مہمانوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے, اس کی وجہ کچھ اور نہیں صرف تحفے ہیں میرے بھائیوں. صرف ان لوگوں کو تحفہ ملے گا جو لوگ صحیح جواب دیں گے. کیوں سر؟ اور صحیح جواب میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں سر آپ پلیز, آپ نے بھاگتے ہوئے جانا ہے اوپر. بلال بھائی کہیں اور پیچھے سے, پیچھے سے پوچھنا ہے. پہلے پہلے طے کر دینا پہلا سوال کہاں سے شروع کرتے ہیں. شور سے آپ لوگ چپ رہیے گا. آپ نے بریک میں کہا تھا دانش نے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. شور زیادہ ہو بریک میں کیچ اچھا ہوگا, صرف اس کو ہم پوچھیں گے. جو ہاتھ اٹھائے گا میں یہاں سے مائک پھینکوں گا. نہیں اب اب آپ بتائیے کہ کیا کیا آپ کیا کہہ رہے تھے کامران؟ میں کہہ رہا تھا کہ بریک میں دانش کہہ رہا تھا کہ لڑکیوں کا پورشن جو ہے وہ میں سنبھالوں گا. نہیں میں نہیں, آپ سنبھالیں. دانش نے کہا تھا جو خواتین والی سائڈ ہے میں سنبھالوں, کیونکہ میں خواتین کو بہتر ہینڈل کر لیتا ہوں اور میری فین فالوئنگ زیادہ. ہینڈل وتھ کیئر, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا میرا خیال ہے زیادہ شور یہاں تھا, آپ کو نہیں لگتا؟ پہلا سوال جو ہے یہ گولڈن سن کی بائسیکل کا, گولڈن سن کی بائسیکل سوال. اس سوال کا جواب انسان نہیں ہو سکتا. تمہیں نہیں ملنی ہے. کون سا ایسا اللہ کی مخلوق کا جاندار ہے جس, جی بھائی فرمائیے سوال تو سن لو یار, کم آن. بات ہے جس کا خون سفید ہے,
ओ मेरे सिर्फ 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 हाथ लेकिन वो इंसान नहीं है पहले बता दें आप ये लो कैच एक मिनट नहीं नहीं जी जी आप क्या कहते हैं मैं ऊपर जाऊं रास्ता दे दें बेटा रास्ता दे दें ऊपर आऊंगा अगर गलत जवाब हुआ ना जेब से 1000 रुपए ले जाऊंगा मैं बोलेगा नहीं अम्मा बोलना नहीं है अम्मा बोलना नहीं है ये रही बोलना किसी ने जवाब जो देगा वो आउट होगा जवाब देखिए मेरी बहन पहली बात ये कि मैं यहाँ तक आया हाँ। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो फिर आपने मुझे 1000 रुपए देने ठीक है सही पे आपको मिलेगी बाइसिकल ये बाइसिकल इस तरह तो ऑडियंस भाग जाएगी गोल्डन सन की साइकिल हाँ जी चले साइकिल मुझे दे दे मेरा वजन बढ़ रहा है अगला सवाल है चेज़ब के 5000 के वाउचर का चेज़ब के 5000 के कैश वाउचर्स जनाब शहद की मक्खी शहद के अलावा जी भाई बिलाल भाई अब बारी यहाँ की है वैसे भी बारी इधर के एक किधर और उसके शहद में से ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे और आपके काम की है मिस मैं बताऊं मिस मैं बताऊं नहीं नहीं एक सेकंड जी 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 हटिए कोशिश करिएगा ऊपर वालों को भी मौका मिले ऊपर आ जाइए बहन आहिस्ता आहिस्ता के अलावा नहीं आप बताएं वैक्स वैक्स मोम मोम बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही जवाब है जी मोम सही जवाब यू जेलस पीपल तालियां क्यों नहीं बजा रहे चेज़ के 5000 के वाउचर आपके नाम हुए मोम शहद का हिस्सा है और शहद का जो वेस्ट बचता है वो मोम है जो कि हमारे काम आता है घोड़े के मुंह में दांत कितने होते हैं जो जीत चुके प्लीज आप नहीं अब औरों को मौका दें घोड़े के मुंह में जाएंगे दानिश आप दांत कितने होते हैं मैं चली जाती दानिश मुझे दे दानिश मुझे दे अच्छा जाइए 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 घोड़े के मुंह में कितने दांत कम ऑन रुक जाओ थोड़ा ऊपर जाने दे साइकिल मिल गई आपको सारी चीजें आपको नहीं देंगे हम हाँ बेटा घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं देखो हाँ जी जी 40 दांत हैं कैसे पता ठीक है ये सवाल था जनाब आपके लिए हायर के टोस्टर और सैंडविच मेकर का 40 बिल्कुल दुरुस्त जवाब एक सवाल मैं करूंगा भाई से करें सवाल घोड़े का मुंह अगर मशरिक की तरफ है तो उसकी दुम किस तरफ होगी जी नहीं जमीन की तरफ आपने बताया नहीं कि टोस्टर और सैंडविच मेकर वापस रखवा दे या देना है देना मेरे भाई ने बड़ी पहले भी कोशिश की आप वही रुकिएगा अगला सवाल यहां से करें अगला सवाल जनाब ये हायर के फोन के लिए है टेलीफोन के लिए हायर के फोन के लिए मोबाइल फोन के लिए सवाल है सहराओं की सरजमीन किस बर्रे आजम को कहा जाता है जाइए किस बर्रे आजम को बोलिएगा नहीं प्लीज बोलिएगा नहीं पहले हमने खवातीन से बोलिएगा नहीं अफ्रीका तो नीचे आओ ना फोन को अपना बिल्कुल सही जवाब है अफ्रीका सवाल है हायर के स्मार्टफोन के लिए आपकी तरफ पाकिस्तान का कौमी फूल उसका नाम कौमी फूल का नाम अब बात सुने सारे मर्दों में रहेंगे खवातीन को मौका दिया है पता है आहिस्ता आहिस्ता जैस्मिन जैस्मिन गलत क्या नाम है जी जैस्मिन जैस्मिन सही क्या नाम है जैस्मिन नहीं 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 काम और एक मिनट जी यार उर्दू में बता दो चंबेली अरे जैस्मिन भी चंबेली होता ना यार चंबेली काम ऑन जैस्मिन चंबेली होता है सही जवाब ठीक है स्मार्टफोन आ रहा है एचबीओ पे नहीं आ रहा अगला सवाल जनाब
ये सोच के बताइएगा, मोहनजोदड़ो का नाम सुना हुआ है? जी 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 सुना हुआ है, इसका मतलब बता दो। एक मिनट, आज तक इनसे पूछिए बहन, बहुत देर से बेचैन है, पूछ लीजिए इससे पहले कि हम सब बेचैन हो जाएं। जी सर, इसका मतलब है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला, टीला मैंने यही पढ़ा है। सही सही, इसका मतलब है मरे हुए लोगों का शहर, टीला अगर आप कह रही हैं तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक होगा, बिल्कुल सही जवाब है। जनाब ये सवाल था सुरमा वाला की आयरन और स्टीमर का। ये जेलस पीपल तालियां नहीं बजा रहे, आप लोगों के लिए खुद तालियां बजाएगा, अपनी पार्टी में बजाओ तालियां। बीबी आपको जाएगा सुरमा वाला का आयरन और उसका स्टीमर। और अगला सवाल है हायर के स्मार्टफोन के लिए, सवाल है औलिया अकराम का शहर पाकिस्तान में कौन सा है? अच्छा जी, एक सेकंड, दानिश एक सेकंड, दानिश आप तो ऊपर ही टिक गए, नीचे वाले आप बोलेंगे आंटी डिसमिस हो जाएगी। ऐसा ना करें, आप क्यों कर रही हैं ऐसे? मुल्तान, बिल्कुल सही जवाब, मुल्तान। मुल्तान, मुल्तान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मदनिया तो लोलिया। तो बेटा आके अपना सवाल के जवाब में चेक ले जाओ, ये फोन स्मार्टफोन आपका, हाई का स्मार्टफोन आपका, 5,000 रुपए का कैश वाउचर। पाकिस्तान के दूसरे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम बताइए, दूसरे गवर्नर जनरल का नाम बताइए, पहले कौन थे? कायदे आजम थे, छोड़ दो, दूसरे का नाम बताना है, दूसरे गवर्नर जनरल। सही बताए सोच के, नहीं और ऊपर जा रहा हूँ मैं। चुप कर जाओ, नहीं गलत बोल रही हैं आप, हटे। अब एक जरा एक मर्द हजरात को भी जान। जी सिकंदर मिर्जा। कौन जी? सिकंदर मिर्जा। नहीं भाई, दूसरे गवर्नर जनरल। नहीं भाई गलत है। आज आ गया जल्दी से आई, जल्दी से आ गए हमारी साइड। नहीं एक सेकंड, एक खवतीन वाली साइड, एक में एक खवतीन भाई, एक दे दे, ये नहीं होगा भाई, दो तीन गलत दे रहे हैं यार हमारी साइड। अच्छा ये एक एक मौका, एक मौका, टैलेंट किधर है? इधर है। एक मिनट, ख्वाजा नाजमुद्दीन। क्या नाजमुद्दीन आप पक्की बात है? कैसे पता आपको? आप जानती हैं उन्हें? नहीं, पढ़ा है कहीं? आपने हर सवाल का जवाब देने का कोई मन्नत मान किया? आपका तो हो गया ना, आपका तो हो गया। प्लीज दूसरों को मौका दीजिए, आपका जवाब दुरुस्त है बेटा। पाइए 5,000 रुपए का कैश वाउचर चेज आपके आपके हुए। बहुत आला, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। तालियां अपने वालों के लिए तो बजाएं, आप लोग भी बजाएं भाई। गोल्डन सन की बाइसिकल, गोल्डन सन की बाइसिकल, सवाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहले जंगल, इसका नाम और शहर। अच्छा चलो, अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल, इसका नाम और शहर। आप अच्छा अच्छा बड़ी जल्दी आपको छांगा मांगा शहर। आप एक फैमिली, एक सेकंड, एक फैमिली आप? नहीं नहीं, माँ बेटी अलग है। आप अलग है, आपके साथ और कौन कौन है? दामाद है आपके ऊपर है। अच्छा आप इनके साथ है, अच्छा सही है। आंटी ने जवाब दिया छांगा मांगा, नहीं ये मशवरा करके थोड़ी बताना है, अभी आप गूगल करेंगे, पीछे जाइए। चल जी बेटा आप बताएं, छांगा मांगा लाहौर, छांगा मांगा लाहौर के अंदर है या लाहौर से बाहर है? लाहौर के अंदर है। आपको जवाब ठीक है, आप क्यों घबरा रही है? ये बाइसिकल आप ही की है, आप ना घबराइए, आप आइए। सही जवाब, सन की गोल्डन बाइसिकल, गोल्डन सन की बाइसिकल। तालियां बजा लो जेलस पीपल। आ गया, मिल गई बाइसाइकिल। ये आजा शहजादे मेरे भाग के, आजा मेरा बच्चा, जल्दी से। भाई आपका भाई है, आजा 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 आजा, ये आपकी हो गई बाइसाइकिल, ठीक है। आहा, आखिरी सवाल सुरमा वाला की आयरन और स्टीमर का सवाल है, चाइना का, चाइनीज की आंखें कैसी होती है? चाइना का कैपिटल, दारुल हुकूमत, खवातीन। ठीक है जाओ भाई, अब तुम जाओ। देखिए अब तो खवातीन की बारी नहीं है, या आप या मौजूद है तो खवातीन तक तो पहुंचे ना। खवातीन, चाइना का कैपिटल जी? बीजिंग। बीजिंग, एक और शहर का नाम बता दो चाइना के। शंघाई। शंघाई, तो आके अपना प्राइज ले लो। कम ऑन, बिल्कुल सही। बीजिंग चाइना का दारुल बीजिंग। अब ये बताइए कि क्या मोटर बाइक चाहिए? इधर वालों को चाहिए?
ये वाले बताएं मैंने नहीं देनी है, देनी इन दोनों ने जिन्होंने कार्ड निकालने हैं। जल्दी से लेकर आइए। मोटरसाइकिल तो ले लोगे, इसमें पेट्रोल कौन भराएगा? तीरंदाजी के लिए जल्दी से लेकर आइए। दो मोटर बाइक्स मिलेंगी, किन खुश नसीबों को मिलेंगी ये अभी हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। आज दानिश नवाज एक कार्ड निकालेंगे और कामरान जिलानी दो, कार्ड दो बाइक निकलेंगे, एक तुम दो बाइक, एक आप एक। अच्छा अच्छा फिर सही, हाँ। मैं कामी को पूरा चांस दे। नहीं नहीं आप अच्छा, और एक चीज और बता दूं, पावर की लेडीज बाइक है तो औरतें जरा भरपूर तालियां तो बजाएं। लेडीज बाइक बाइक को जरा आगे लेकर आए, आगे चल के आती तो मिलाऊं। जाइए जाइए, चल कर आएगी वो। नहीं नहीं स्टार्ट होती है लेडीज बाइक, आप कैसे लगेंगे बैठे हुए इसके ऊपर ये सोच तो लेडीज बाइक चलाते हुए लेडीज थोड़ी लगूंगा। चले जी खा लेकर आइए। कल हमारे पास मोहम्मद इरफान मेहमान थे तो जब वो बाइक पे बैठे तो लग रहा था बाइक कम कश्ती ज्यादा चप्पू की तरह चल रही थी। कैसा लग रहा हूँ? चले जी फिर जिसका इनाम निकलेगा वो मुझे दे देगा। फौरन पता लग गया सब लोग देखे। मेरे खुदा यार दिल धड़क रहा है इसके पीछे। दिल दिल धक धक उड़ी उड़ी। हाँ जी, आर से किसका नाम आता है? आर से खैर मेरे बेटे का। आपके बेटे का नहीं, बेटी का। ऊपर ही रहने दो उसको। और नाम बताए जल्दी। आर के आगे यू। जल्दी बताना है। नहीं नहीं थोड़ा सा और खेल ले, चले जैसे आपकी दिल करे कर ले। रुबीना। रुबीना कौन है? रुबीना 004590 004590 है। 90 लो भाई, ले आइए, आ जाइए मेरी बहन, जल्दी आइए, खुशी से आइए। कम ऑन। और कौन है आपके साथ रुबीना? कौन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी सर। हां आइए बेटा, आइए आइए, खुशी से। खुशी नहीं है? शनाख्ती कार्ड नंबर याद है? मेरी जेब में 500 है, उसमें क्या नंबर लिखा है वो बताओगी तो बाइक मिलेगी। कुछ नहीं बेटा, आप ये बाइक आप क्यों हुई रुबीना? ये बाइक आप क्यों हुई रुबीना? ये बेटा ये कार्ड मुझे दे, ये दिखाइए जरा। वाह वाह, हमने वैसे कराची में हमने बाइक चलाते देखा नहीं। खुशी हुई? हां माइक दे, बाइक लेडीज दे, चला आप बुरे होंगे कैसा लगेगा? नहीं नहीं चला रही तो इनको पड़ेगी, चलाओगी बाइक? बहुत शौक से, क्योंकि अभी अबू का इंतकाल हुआ है, 6 महीने हुए हैं, तो मैं खुद हमदर्द यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, दो दो तीन तीन बसें बदल कर लैब में होती हूँ वहाँ पर, तो बहुत तुम्हारे लिए पावर ने निकाली है ना भाई। वेल डन। चले अच्छी बात है कि एक सही बंदे के पास सही चीज है। बिल्कुल सही बंदे के पास सही सही बंदी के पास। सॉरी सही बंदी। आपके नसीब भी अच्छे करे और अल्लाह आपको ये बाइक नसीब करे। बहुत मुबारक। बहुत जी। अब दानिश अब अगली बाइक लतीफ बनास्पति की मोटर बाइक, अब देखते हैं कौन लेके जाएगा। Come on। बताइए क्या कौन निकला है? जी यस ओके देख लो अपना कार्ड ना निकाल लिया। मेरा कार्ड है ही नहीं इसमें। हाय हाय, ये जनाब है, ये है नंबर, नंबर है 004440। 3 times 4 है यार, किसके पास है? 00440 है। कौन है? 00440 साबिर शब्बर, नहीं शब्बर है, शब्बीर है या शब्बर? शब्बीर आ जाओ मेरे भाई। साबिर है, साबिर नहीं नहीं शब्बर, SHABER। आइए मेरे भाई, क्या नाम है आपका? 00440 कार्ड दिखाइए अपना, हम भी पूरी चेकिंग करेंगे, ऐसे थोड़ी दे देंगे। आपकी फैमिली है तो खुशी क्यों नहीं है भाईजान? बहुत मुबारक हो, अल्लाह इतना सारा घी देखो लतीफ ग्रुप की तरफ से मिल गया तुम्हें, घी भी उन्हीं का खा रहे हो मुझे लग रहा है। मुझे बाइक है इनके पास। आपके पास बाइक है? अगर होगी तो फिर यहाँ पे किसी और को देनी पड़ेगी। है? है? अच्छा तो दे दे किसी और को। मेरे पास पुरानी बाइक है। अच्छा अच्छा, वो दे किसी और को दे दीजिए। शादी हो गई आपकी? वो भांजो, हाँ हमारी फैमिली है। शादी हो गई आपकी? जी। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। अब वो भी आप ये मत कह देना, समझ गया ना? फैमिली हमारी।
आइए बैठिए, लतीफ की बाइक पे बैठिए। लतीफ बनास्पति की बाइक आपको बहुत मुबारक। चलो पुश करो भाई, चलाएं, देखें सही चला रहा नहीं चला। बहुत तेजी के साथ मैं अपने तमाम बच्चों से कहूंगी गिफ्ट हैंपर्स लेकर जाइए। दानिश और गला खुश हो जाता है मेरा खुदा के वास्ते कामरान के साथ, ताकि गिफ्ट हैंपर्स भी मेरी ऑडियंस तक पहुंचते चले जाएं। मैं डॉक्टर फजल को यहाँ खुश आमदेद कहूंगी। डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं यहाँ, आइए जल्दी से। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक। और अब मैं बता दूं कि मेरे साथ गिफ्ट हैंपर्स में कौन कौन से लोग मौजूद हैं। प्लीज मैं चाहूंगी आप लोगों की मौजूदगी में ये तमाम गिफ्ट्स भी आप लोग अपनी ही निगरानी में पहुंचा कर आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हायर्स के मोबाइल हमारे साथ है, फोटाइल गिफ्ट हैंपर्स है, दिलपसंद स्वीट्स है, गोल्डन सन के गिफ्ट हैंपर्स है, अल अमीन सॉल्ट लैम्प्स है, हिजाबीज के हिजाब्स है, चंकी मंकी बच्चों के लिए गिफ्ट हैंपर्स है, ज़ारा सॉफ्ट है, चीज़ अप के 1000 रुपये के वाउचर्स हैं, स्टाइल गिफ्ट वाउचर्स हैं, कौसर स्पाइसी से जाम शीरी है, कोबरा के गिफ्ट हैंपर्स हैं, अल गाजा राइस यानी के जुनेद अल जजा राइस है, बाय जुनेद जमशेद फलक राइस, मेहरान स्पाइसेस, सुरमा वाला स्टीमर्स है हमारे पास, आइडोनिक गिफ्ट हैंपर्स हमारे पास, और हमारे पास ये क्या लिखा है भाई, सुरमा वाला स्ट्रीमर्स के साथ हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके बताते हैं मेरे पास और स्टाइलों के वाउचर्स हैं मेरे पास, ये मैं तो बताना भूल गई, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन वापस आ चुके हैं हम समय इफ्तार में। डॉक्टर फजल ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। आखिरी जुमे में आपने हमें ये फजीलत अता करी कि आप भी आगे। डॉक्टर साहब नाराज लग रहे मुझे आप, डॉक्टर साहब नहीं बेटे मैं नाराज किसी नहीं, बेटी से बाप नाराज होते हैं। बस ये कह के आपने दिल जीत लिया। कैसी बात डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू सो मच। आप शो कंटिन्यू रखें, कोई बात आप दोनों आए क्योंकि इन दोनों ने इफ्तार पे पहुंचना है और मुझे इसलिए इनको खुदाफिस भी कहना है, और मैं चाहूँगी कि उतनी ही भरपूर तालियों में इनको उसी तरह खुदाफिस करें जिस तरह हमने इनको वेलकम किया था। उसके बाद हम सदीक इस्माइल साहब की तरफ आएंगे ताकि मैं अलविदा। आज इफ्तार में जा रहे हैं, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को थी, हाँ। लेकिन चूंकि यहाँ आपने इतना भगाया इन लोगों ने, वहाँ से पीना ही पानी पीना पड़ेगा इतना भागे माशाल्लाह। थैंक यू साथी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं उन खुश नसीब एक्टर्स में से हूँ जो इस प्रोग्राम में आया, और मुझे सादत मिली आप जैसे अच्छे अच्छे बड़े लोगों से मिलने की, तो इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के बाद भी मुलाकात और रابطے में रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर। ओके कामी, आपको मैं साथ ही चलिए यार मेरा रिक्शा जी। अब मैं चाहूंगी सिद्दीक साहब कोई भी बीच में ना आए हमारे और आपके कलाम के, कोई भी, मैंने ये ऊपर वालों को तंबीह कर दी है बिल्कुल। बाप संजीदगी से ये वक्त इफ्तार है, दुआओं की मकबूलियत का वक्त है, और आज तो जुमतुल विदा है, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला अलविदा, माह रमजान अलविदा। बिलाल भाई जब रमज़ान आता है तो हम बड़े खुश होते हैं, आज आखिरी जुमा है, चंद दिनों का मेहमान है, तो आइए हम रमज़ान की अलविदा पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अलविदा मिलकर मोहब्बत से
हर जगह तेरी
अता का साथ हो जब पड़े मुश्किल सहे मुश्किल कुशा का साथ हो जब पड़े मुश्किल सहे मुश्किल कुशा का साथ हो या इलाही नाम आमाल जब खुलने लगे या इलाही नाम आमाल जब खुलने लगे ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो शर से जब भड़ के बदन या इलाही गर्मिये महशर से जब भड़ के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो हर जगह तेरी अता का साथ हो जब पड़े मुश्किल सहे मुश्किल कुशा का साथ हो सरकार का मेरे सरकार का करम हो गया मेरे सरकार का करम हो गया मेरे सरकार का करम हो गया दूर मुझसे यूं गम हो गया दूर मुझसे यूं गम हो गया हाँ दूर मुझसे यूं गम हो गया मेरे सरकार का करम हो गया मेरे सरकार का करम हो गया हम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं ऐसा जब करम होता है हालात बदल जाते हैं मेरे
सरकार का हो गया, मेरे सरकार का करम हो गया। साल देता है मेरे सरकार का हो गया, मेरे सरकार पंचतन की बन जय धन की, बन जय धन की पंजे पंचतन की जो कर ले गुलामी, पंचतन की जो कर ले साहब डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, बिलाल भाई बड़ा सही शेर दर साहब। हाँ जिसको दुनिया ने भेजा सताया, हसम हो गया बिलाल जी, हसम हो गया हो गया वो बिलाल जी, हसम 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 أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
रहमान रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। दस्तखान बिछ चुका है और मैं अपना फ़र्ज़ अदा करती चलूँ कि मिज़ान कोका कोला और अफ़ज़ा का शुक्रिया अदा कर दूँ कि हमारा सहर और इफ़्तार का दस्तरखान की सादत यह हासिल करते हैं। और शेफ़ फरहान और शेफ़ समिया का भी शुक्रिया अदा करूँगी। आज कचौरियाँ उन्होंने ताजी भाई ने कहा कमाल कचौरियाँ बनी हैं, तो अभी ये हम चखेंगे। और शेफ़ समिया आपका शुक्रिया, ये बर्फ़ी नुमा हलवा हम ज़रूर खा के आपको कल बताएँगे कि ये कैसा था, ये भी बताएँगे। बहुत शुक्रिया। और अब मैं तेज़ी से जाऊँगी बिलाल भाई की तरफ ताकि हमारे उलमा हज़रात यहाँ मौजूद हैं, अकबर दस्त साहब भी यहाँ हैं, तो हम अपनी गुफ्तगू का स्टार्ट। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हज़रत, सबसे पहले तो मैं इन दो बच्चों का आपके सामने शुक्रिया अदा करूँ जो कि TCF द सिटीज़न फाउंडेशन के स्कूल से बच्चे जिन्होंने आज हमारे साथ यहाँ पे अफ्तारी की। ये वो बच्चे हैं जो कि ऐसी जगह से आए जहाँ पे कि इनके पास तालीम की सहूलत नहीं थी, लेकिन ना सिर्फ कि ये तालीम बाहर से हासिल करके आए बल्कि फुल स्कॉलरशिप पे ज़फ़र जो है ये अमेरिका भी जा रहे हैं और वापस आके पढ़ाएंगे। इस बेटी ने हमारी फातिमा ने FA किया है, आगे ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही है, लेकिन अपने मोहल्ले के बड़ों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया बच्चों आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आपका, आप एग्जाम्पल हैं। हज़रत, आज हम बात करना चाह रहे हैं कि रमज़ान हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे लगता है डॉक्टर साहब जो समझाना चाहता है वो सब्र है, तहम्मुल है, मजाज है, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा झगड़े जो हैं सड़कों से लेके हर जगह तक वो रमज़ान में ही हो रहे होते हैं। आपको कहीं लगता है कि वो जो मजाज की तलखी हमारे अंदर एक आ गई है और वो मुसलसल अब हमें 365 दिन नज़र ही आती है, उसकी वजूहात कोई नई है या आपको लगता है कि पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रोज़ा तो अरबी में इसको सौम कहते हैं, सौम के माना रोकने के हैं, रुक जाने के हैं जी, और वह माना सबर के भी हैं। रोज़े की खासियत या तासीर ये होना चाहिए था कि रोज़ा रखने वाला आदमी सबर का खोगर हो जाए और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुकम्मल नमूना पेश करे। जी जी, बदकिस्मती से ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है। रोज़ा हम ज़ुबान से खाने पीने को रोक तो देते हैं लेकिन वो रोज़ा हलक के नीचे नहीं उतर रहा है। अगर रोज़े के असरात रूह तक पहुंच जाए तो क्यों नहीं उतर रहा? इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू। बहुत से लोग रोज़े रखते हैं लेकिन उनको भूख प्यासे के सिवा कोई अजर उन्हें मिलता नहीं है। फिर एक और जगह इरशाद बलीग है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया मन लम यदअ क़ौलज़्ज़ूरा औ अमला बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ ताअमहु व शराबहु। यानी वो लोग जो रोज़ा रखने के बाद भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते, झूठ की प्लानिंग मनसूबाबंदी नहीं छोड़ते, तो अल्लाह ताला को ऐसे रोज़ेदार के भूखे प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। ये दो बातें बुनियाद बनाकर मैं आगे गुफ्तगू को ले चलता हूँ। फिर एक और हदीस है वो अस्सौम जन्नतुन, रोज़ा ढाल है मालम यखरक़हा, जब तक आप उस ढाल को फाड़ ना दें। फाड़ने का मतलब ये हुआ जो पाबंदियाँ हैं रोज़े की, जो आदाब हैं उनको आप ना अपनाएं, उन पाबंदियों से आप आज़ाद होने की कोशिश करें। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई आदमी तुमसे लड़े, लड़ने के लिए आए या तुम पर गुस्सा करे, आप ये उसको बता दें कि मेरा रोज़ा है। इसका मतलब रोज़े का नाम सबर है, रोज़े का दूसरा नाम जो है तहम्मुल है, रोज़े का दूसरा नाम रवादारी है। इसीलिए इसको शहरुल मवासात भी कहते हैं, गमखारी का महीना भी है। जहाँ ये शहरुल सबर है वहाँ शहरुल मवासात भी है। और इसी हैसियत से मुआशरे का जब हम तजिया करते हैं आदम बर्दाश्त रमज़ान में हमें ज़्यादा नज़र आता है, बिस्यार मुनाफाखोरी ज़्यादा नज़र आती है और लोगों में एक दूसरे की बात सुनने की बर्दाश्त मफकूद नज़र आती है। ख़ासतर वो कबूलियत की घड़ी जो रोज़ा खुलने के करीब की घड़ी होती है, इसलिए फरमाते हदीस में रोज़ेदार जब इफ्तार के टाइम पर जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं करता है, कबूल फरमा लेता है। लेकिन उस लम्हे को भी हम गुस्से में सिग्नल तोड़कर, डॉक्टर साहब मैं एक बड़ी जिंदा मसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे दुआ होती है, हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि ये लम्हा जो है ये कबूलियत का है, आप दुआ कीजिए, शामिल हुई खामोश। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि लोगों को इल्म नहीं है, पता है लोगों को इल्म है,
لیکن وہ پھر بھی نہ دعا کریں گے نہ خاموشی اختیار کریں گے. یہ تبدیلی معاشرے میں نظر آ رہی ہے. میں نے ایک بات وجہ پہ جانا چاہ رہا ہوں. ایک بات کہی, ہم کھانے پینے کو زبان سے تو روک دیتے ہیں. روزہ نام آنکھ کا بھی ہے, روزہ نام دل کا بھی ہے, روزہ نام کان کا بھی ہے, روزہ ہے تو ہر چیز کا, جسم کے پورے جسم کا جو ہے روزہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب وہ جو 30 سال پہلے روزہ تھا وہ کہیں بہتر روزہ تھا, جب آنکھ میں بھی حیا تھی, کھانے پینے کی جگہ بغیر حکم کے بند ہوا کرتی تھیں, لوگ گھروں میں عبادت کرتے تھے. اب وہ سارا جو 25-30 سال میں تبدیلی آئی ہے, میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ تبدیلی کی وجوہات ہیں کیا؟ نہیں, اصل میں وجہ یہ خوف خدا ہمارے دل سے اتر گیا ہے. آپ کی بات بچا میں مان رہا ہوں, لیکن غور فرمائیے کہ نکل گیا. میں نے اپنے بچپن میں مساجد میں جمعے جو ہیں وہ تنہا بھی پڑھے ہیں, لوگ نہیں ہوا کرتے تھے, وہ جامعہ میں چلے جاتے. اب ہمارے محلے کی مسجد بھی بھری ہوئی ہے, جامعہ مسجد سڑک تک آئی ہوئی ہے. میں کہوں لوگ عبادت نہیں کر رہے, وہ زیادہ عبادات کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن عبادات ظاہری ہو رہی ہے, روح اس سے متاثر نہیں ہو رہی ہے. آپ یقین مانیے اگر یہ روزہ ایک روزہ بھی قبولیت کا درجہ حاصل کر جائے نا, انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے. روزے میں اتنی پاور ہے, لازم تتقون جو کہا گیا ہے, تم روزہ اس لیے رکھو تمہارا اندر تقویٰ پیدا ہو. وہ تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے, خوف خشیت الہی نہیں پیدا ہو رہی ہے, احساس موت نہیں پیدا ہو رہا ہے. آپ کی طرف دوبارہ اس طرح سے آؤں گا میں حضرت, آپ کو بھی شامل کروں بیچ میں. اگر ایک برطانیہ یا ایک پاکستان کا ملک یا پریزیڈنٹ آف پاکستان یا کانسٹیٹیوشن یا آرڈیننس نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پیلی لائٹ پہ کھڑے ہونا ہے, لال پہ نہیں کھڑے ہونا, سارے ملک کرے گا؟ سارا ملک کرے گا. آپ کے جناب آپ نے یہ کرنا ہے اس لیے آپ کو چندہ ملے گا, سارا ملک کرے گا. پاکستان کو امریکہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, چندہ ملے گا, سارا پاکستان کرتا ہے. اللہ ایک حکم دے رہا ہے, ہم اللہ اور رسول کی باتیں کہہ کہہ کے بوڑھے ہو گئے, لوگ خاموش نہیں ہوتے دعا مانگنے کے لیے. میں وجہ جاننا چاہتا ہوں. سزا کا جو تصور ہے نا, جزا و سزا کا تصور دو طرح کا ہے, ایک تو دنیاوی اعتبار سے, ایک اخروی اعتبار سے. اللہ کا جو جزا و سزا کا تصور ہمارے ذہن میں آخرت کے لحاظ سے ہے, لیکن اس کے لیے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. تو ذرا بھی نیکی کرو گے ہم اس کا اجر دیں گے. اس اجر پانے پر یقین نہیں ہو رہا ہے, قبر کے عذاب پر یقین نہیں ہو رہا ہے. اگر یقین ہوتا نا تو ہم ہرگز ہرگز خدا کا ایک حکم بھی نہیں توڑتے. تو یقین کی جو کمی ہے وہ ہمیں اپنے روح سے پوچھنا پڑے گا, اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. سر روح کو, ڈاکٹر صاحب میں روح کو ای میل ڈالوں, خط لکھوں, فون کروں, کیا ایسا نہیں ہوگا؟ اندر سے آواز آنی چاہیے انسان کے اندر سے. کیسے؟ نہیں, اندر سے آواز جب تک نہیں آئے گی انسان, دیکھیں شیطان تو بند ہو گیا, شیطانی کام سارے جاری ہیں. 11 مہینے شیطان نے جو ہماری تربیت کی ہے, شیطان نے تربیت کی ہے, اس شیطانی تربیت کا اثرات ہمیں ہماری اپنی زندگی میں نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب شیطان کے اوپر سارا بوجھ ڈالنا بڑا مشکل ہوگا. اب اتنے خوگر ہیں, آج میں قانون بنا دوں نا. شیطان سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا, یہ سارا کچھ. میں ابھی سارے لوگوں سے کہوں نا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہوں. میں سب کو ہائر کا موبائل فون دوں گا, قسم یہاں پہ پن ڈراپ سائلنس ہو جائے. میں اللہ کے واسطے دوں کوئی نہیں مانتا, میں رسول کا واسطہ دوں کوئی نہیں مانتا. مجھے تو حضرت وجہ بتائیں کہ ہم اللہ رسول کا واسطہ نہیں مانتے, فون کے لیے مانتے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز سے اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب صبر کرنا کیا ہے کہ ہم میں جو ہے وہ قوت برداشت جو ہے, ایک تو وہ ہم نے اپنی خود ذاتی اعمال کی وجہ سے ختم کر دی. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے بھوک دے کر, مال میں کمی دے کر, ثمرات میں اولاد میں کمی دے کر. فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ, اور خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کو کہ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اب ہم جس تمام آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے جو لینی تھی وہ اس وقت سب آسانیاں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں, آزمائشوں میں نہیں ڈالا ہوا ہے. اور اگر پروردگار آزمائشوں میں ڈالے بھی نہیں ہم کو,
لیکن صورت حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جب آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اور اس کی حقانیت کا اور اس کے جو احکامات ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں, اور جب تک ان کو جو ہے وہ کسی مصیبت سے وہ نہیں, وہ کہتے ہیں نا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ یہ تجھ کو اللہ تعالیٰ کسی طوفان سے آشنا کر دے, اور اس وقت جو آسانیاں آپ کو ملی ہوئی ہیں, جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہوئی ہیں, ان نعمتوں کے شکریہ میں ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اسی انداز میں اختیار کریں جیسا وہ ہم سے چاہتا اور جو ہم کر نہیں رہے. حضرت آپ سوال کیا فرما رہے تھے؟ بیٹا توجہ توجہ ادھر ادھر. پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر سے ایک آواز آئے گی, تو اگر ایک بچہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اس کی اندر سے کیسے آواز آئے گی, اور اگر ایک شیطان کا غلبہ ہے وہ کیسے ایک نفس سے جائے گا, کس طرح سے مطلب انسان کے جو اپنے خیالات و احساسات و جذبات ہیں وہ اس کے کنٹرول میں آئیں گے اور ہم رمضان کا احترام کریں گے. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام, دنیا میں جتنے بچے دنیا میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی فطرت پر ہی پیدا فرماتا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْوَلَدُ فِي سِنِّ الْبُلُوغِ, جب بچہ سن بلوغ پر قدم رکھتا ہے اور اس کا ضمیر جاگتا ہے, اس کی عقل پروانے سوچنا شروع کرتی ہے, اس کی بینائی حق کی تلاش میں روشن رہتی ہے, پھر اسی طرح. لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات کو یوں دیکھیے, یہ حق کی تلاش میں بچے کی بینائی جاتی ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے, یہ ساری بینائی جو ہے یہ مسلمان بچوں کے علاوہ باقی بچوں کو تو حق نظر آ جاتا ہے, ہمیں کیوں نہیں حق نظر آ رہا؟ اب اس میں آ رہا ہوں. وہ آگے حدیث کا دوسرا حصہ سنیے. وہ ابواہما یحبدانی ویونصرانی ویمجسانی, اس کے ماں باپ کی تربیت, اس کے ماں باپ کا دین اسے اس راہ حق سے ہٹا دیتا ہے. گویا ہمارا گھر جو ہے یونٹ ہے, ایک درسگاہ ہے, ماں کی گود پہلی درسگاہ, ہم سنتے ہیں نا ماں سب سے پہلی معلمہ ہے اس بچے کا جو اس دنیا میں آیا ہے, اس کے لیے تعلیم دینے والی بھی ماں ہے, تربیت دینے والی بھی ماں ہے. باپ کا کام ہے حلال رزق لا کر ماں کے گھر میں لائے, ماں اس کو حلال روزی کھلائے اور اس طرح تربیت کرے جیسے فرمایا, جب بچہ بولنے لگے اس سے پیدا ہو تو اذان دو کان میں, بولنے لگے تو اللہ سکھاؤ, زیادہ بولنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ, اس کا رشتہ اللہ سے. ڈاکٹر صاحب یہ بات کا جواب نہیں ہے. باپ کا جواب ہے. کیسے جواب ہے؟ باپ کا بات کا ہی جواب ہے, ماننا پڑے گا, نہ ماننے والوں کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے کہ جو شریعت نے متعین کیے ہیں تربیت کے راستے, اس راستے پہ ہمیں آنا پڑے گا. ہم اگر یہاں سے لالو کھیت جائیں گے تو لالو کھیت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, کرنگی جانے والا راستہ اختیار کر کے لالو کھیت نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ خدا کا دین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. سر آپ اس بات کا بھی دعویٰ کریں کہ ہم لوگ شریعت محمدی پہ نہیں ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں سر, آپ کہو شریعت محمدی پر قائم نہیں ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. ورنہ ہم اگر شریعت پہ قائم ہوتے آج یہ بہرہ روی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی, یہ سارے بدامنی نظر نہیں آتی, یہ فساد. جو آدمی شریعت محمدی قائم ہوگا وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا, وہ چوری نہیں کرے گا, وہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا, وہ شراب نہیں پیے گا, وہ بدکاری نہیں کرے گا, معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا. کب بنے گا؟ جب ماں تربیت دے کے اس گھر سے بچے کو باہر نکالے گی اس انداز میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ایک آئینہ ہمارے سامنے ہے, اس آئینے کے سامنے رکھ کر ہمیں اپنی شکل دیکھنا ہوگا. اور ہماری اس تربیت کے اندر ہمارے جو استاذہ علماء ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمیں کم ڈانٹتے, ایسا ہوتا نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ایک ہماری بیٹی کا سوال ہے بڑا اچھا, میں اس کی طرف آ جاؤں. ہاں اس بیٹی کا سوال ہے. جی جی, جا رہی تھی کہ پاکستان میں اس مفتی عورتیں کیوں نہیں ہیں, مفتی عورتیں کیوں نہیں ہیں, اور مفتی عورتیں کیوں نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر مفتی عورتیں کیوں نہیں ہیں, اور اگر ہیں مفتی کیوں نہیں ہیں, علماء یا علماء یا مفتی عورتیں کیوں نہیں ہیں, علماء یا مفتی اگر ہیں بھی تو ان کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ اصل میں آپ کی بات بہت ویلڈ ہے. اصل میں ہماری بدقسمتی سے ہماری قوم مسلکوں میں بٹ گئی, فرقوں میں بٹ گئی,
تفرقہ بندی بہت ہے، اگر ایک مسلک دیوبند کا ہے، ایک مسلک اہل سنت والجماعت کا ہے، ایک مسلک اہل حدیث کا ہے، ایک مسلک جو ہے ان دونوں میں اہل سنت جماعت میں بھی دو ہو گئے ہیں، ایک دیوبندی مسلک کے بریج دونوں اہل سنت ہیں، تو اس لحاظ سے بیٹا اگر دیکھیں ایک مسلک اہل تشیع حضرات کا ہے، تو ہر مسلک کے اندر مولوی بھی ہے، مفتی بھی ہے، بڑے بڑے علامہ موجود ہیں، لیکن ان سب کو مل کر ایک جگہ پلیٹ فارم میں لانا ہوگا۔ نہیں سر، وہ اور بات پوچھ رہی ہے، بالکل وہ یہ نہیں پوچھ رہی، وہ یہ بالکل پوچھ رہی ہے۔ خواتین کی بات کر رہی ہوں، کیا سوال کیا تھا؟ مفتی نہیں ہے نا؟ ایک صورت یہ ہے دیکھیں کہ ایک تو جو خواتین ہیں وہ دینی شعبے میں بہت کم جو ہے وہ آیا کرتی ہیں، اور ہر مکتبہ فکر میں جیسے مکاتب فکر چاہے کتنے ہی ہوں، لیکن ان تمام مکاتب فکر میں اب خواتین کے مدارس جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور ان مدارس کو جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اولیت دی کہ صاحب جو ہے وہ دینی علوم کو، چونکہ دیکھیں دین کی جو تعلیم ہے اس کے لیے حدیث شریف یہ ہے کہ طلب العلم فریدت علی کل مسلم و مسلمت، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے مسلمان عورت مسلمان مرد پر۔ میں فاطمہ کے میں اس کے سوال کو بڑھا رہا ہوں، پاکستان میں 51.7% عورتیں ہیں اور باقی مرد ہیں، اگر تناسب دیکھا جائے تو ہمارے پاس عورتیں مفتی اور علماء زیادہ ہونی چاہیے، کسی بھی مسلک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس تناسب میں وہ نہیں ہے۔ نہیں، مدارس میں خواتین کی جو آمد ہے اور خواتین کا جو تعلیم حاصل کرنا ہے، چونکہ دیکھیں یہ شعبہ ایسا ہے کہ اس میں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ گاؤں کے گوٹ کے بالکل جو نادار لوگ ہیں وہ جو ہے مدارس میں داخل کیے جاتے ہیں، اگر تھوڑا سا بچے کی اچھی تعلیم ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب اس کو ہم انجینئر بنائیں گے، اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو ہم فلاں بنائیں گے، لیکن اگر وہ مفتی بنانے کے لیے خواتین بھی اسی شعبے میں ان تکالیف کو بھی برداشت کرنے کی اپنے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی قوت پیدا کرے کہ جو تکالیف ان دینی علوم کے حاصل کرنے میں ان لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ سب سے پہلے تو میں اس بچی کو سر اس کو بھی سلام کرے، بڑا اعلیٰ سوال پوچھا اس نے، نہیں اتنا ویلڈ، بہت ویلڈ کوشچن۔ نہیں آپ سن لیجئے ایک منٹ، کہ مردوں میں تو مفتی کی تعداد کافی ہے، خواتین میں علماء کی تعداد ہے، عالمہ ہیں، لیکن جن کو مستند خاتون کوئی مفتی آج تک میں نے نام نہیں سنا کسی کا بھی، ہم نے نہیں سنا، ہم نے بھی نہیں سنا۔ اس کا مطلب کہ یہ کیا میں اگر یہ کہوں گا ضرورت ہے، یہ اس کا سوال، اگر میں یہ کہوں گا آجزی سے تو میرے پہ کوئی پابندی ہوگی کہ ہر ادارہ جو ہے وہ ایک نہ ایک اپنا باعث رکھتا ہے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس ادارے نے، دین کے ادارے نے بھی اللہ کے رسول کی ابن ماجہ کی حدیث کو برابر میں نہیں مانا کہ برابر پر فرض ہے، یہاں پہ بھی ہمیں مرد حضرات زیادہ نظر آتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ کم نظر آتی ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ایک بات میں عرض کروں کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہترین مفتی تھی، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر 1436 سال ہو گئے، ہاں دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ ایک مسئلے میں کہ صاحب صحیح جو کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، انہوں نے فرمایا کہ صاحب میں اس کی درمیان کی صحیح نہیں کروں گا، چونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں صحیح کی جائے، تو حرج نہیں کا مطلب انہوں نے یہ لیا، کہنے لگے کہ صاحب میں یہ مرضی پر موقوف ہے، آپ کریں تو کریں، نہیں کریں تو نہیں کریں۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم نے اس آیت کا مطلب یہ کیسے سمجھا؟ کہا کہ جب یہ معلوم ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، عمر کا فاصلہ دیکھیں، ہاں جب کہا کہ شان نزول آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے اس کا، کہا کہ جب مکہ فتح ہوا، مسلمان مکہ مکرمہ میں آئے اور صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرنا چاہیے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اصاف اور نائلہ دو بت نصب تھے، ایک صفا پر دوسرا مروہ پر، اور ایک مؤنث ایک مذکر، تو کہا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اس کے درمیان میں دوڑتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ دوڑنا اب شرک میں شامل ہو جائے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں دوڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان صفا والمروہ، اب لہجہ آپ دیکھیں تبدیل ہو جائے گا، کہا کہ ان صفا، بے شک صفا والمروہ اور مروہ،
من شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, بتوں کی نشانیاں نہیں ہیں, اللہ کی, اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت, اگر کوئی حج کے لیے آئے, اوے تمہارا یا عمرے کے لیے آئے, تو فلاں جناح علیہ ان یطوف بہما, ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں دوڑے. تو ام المومنین نے کہا اس سے صحیح واجب ہو جاتی ہے. واہ 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 واہ, اب پڑھنے کا صرف واجب ہی نہیں, صفا اور مروہ کیے بغیر مکمل ہی نہیں ہے, مکمل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حصہ بنا لیا. حضرت غور فرمائیے, میں ادب سے کہہ رہا ہوں بالکل اجازت کے ساتھ. بچوں آپ کے بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اگر حضرت عمر خطاب, جو کہ عمر خطاب رضی اللہ ہے, اگر اماں عائشہ ان کو بتا رہی ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے, تو پھر ہمیں صرف فاطمہ اور عائشہ نام نہیں رکھنا, ہمیں فاطمہ اور عائشہ پیدا کرنی ہے اس معاشرے میں, اور اس کے لیے آپ ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے, یہ بچی کی بات, یہ بات بھی درست ہے. بر صغیر کی تقسیم کے بعد, بات سنیں پہلے ذرا سب غور سے. جی جی, بر صغیر کی تقسیم کے بعد جب دینی مدارس قائم کیے گئے, تو علماء یعنی مدارس میں داخلہ جن ہستیوں نے لیا, زیادہ طلباء کی تعداد ہونے کی وجہ سے وہ جو طلب العلم میں جو حدیث ہے مرد عورت پر, عورتوں کے مدارس پر اتنی بھرپور توجہ نہیں دی گئی تھی جو اب دی جا رہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب یہ توجہ دی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنی زندگی میں آخری ایام میں ہوں گے انشاءاللہ, تو ہم اللہ کے پاس جانے سے پہلے اس بات کو دیکھیں گے کہ اسی ملک کے اندر انشاءاللہ فاطمہ فاطمہ ہوگی اور عائشہ عائشہ ہوگی اور عمر پوچھنے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 2:05 پہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.